हेलो बच्चों एग्जाम्स एकदम सर पे आ चुके हैं और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सबसे मेजर कंसर्न बच्चों की रहती है वो ये रहती है कि मैम हाउ टू रिवाइज है ना सो हियर आई एम विद सुपर इफेक्टिव रिविजन ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इसकी कवरेज वैसे अगर देखें तो लगता है सिर्फ फिफ्टीन परसेंट ही तो है मैम एक काम करते हैं उसको तो छोड़ के ही चल जाते हैं बट ऐसी भूल कभी भी मत करना क्योंकि कभी कभी ये फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा भी पूछा जाता है एंड उससे ज्यादा अच्छी बात यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सो वाई लीव इट तो कोई भी बकवास हम नहीं करेंगे ओनली ग्रस्प रिकॉलिंग ऑफ प्रोविशंस यू हैव ऑलरेडी रेड बिफोर आई रिपीट रिकॉलिंग ऑफ प्रोविशंस विच यू हैव रेड बिफोर भाई अगर पढ़ाई नहीं किए तो गो टेक आउट आर फुल कोर्स ब्यूटिफुल डिज़ाइन किया हुआ है विद सिर्फ फाइव बुक्स जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक चार्ट बुक फॉर ऑल द चैप्टर्स मतलब पूरा का पूरा आप कंसाइज तरीके से उससे रिवाइज कर सकते हो कॉम्प्रहेंसिव ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहते हैं तो सब फीचर्स मिलेंगे बट यहाँ वर आर वी डूइंगी आर रिवाइजिंग सो आई हैव ट्राई टू कीप इट सुपर कंसाइज आप देखोगे तीन घंटे के अंदर अंदर मैंने ये पहाड़ जैसा जो इंडस्ट्रियल लॉस लगता है जो बच्चों को बहुत डराता है वॉन्ट करता है वो कंप्लीट करा दिया है और ऐसे कराया है कि ये नहीं है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स बस ऐसे हवा हवाई मैंने बोल दिया नहीं आई हैव ट्राई टू की बैकग्राउंड ऑल्सो तो आपने अगर अगर आप भूल भी गए हो कुछ चीज़ें तो आपको बड़े आराम से याद आ जाएंगी इफ यू जस्ट कामली एंड विथ फुल फोकस लिसन टू दिस वीडियो तो करना क्या है भाई आराम से शांति से इस वीडियो को सुनना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ओके नाउ पहली बात इस पूरे के पूरे वीडियो में कुछ चैप्टर्स में मैंने चार्ट से रिविजन कराया तो मैम हमें तो दिक्कत होगी देखो आपको दिक्कत नहीं होगी आप कोई भी मटेरियल लेके मेरे साथ यहाँ पर रिविजन करने बैठ सकते हो कुछ चैप्टर्स uh, में मैंने अपना ही मटीरियल यूज़ किया हुआ है कुछ चैप्टर्स में मैंने चार्ट uh, से रिविजन कराया सो दैट इज़ नॉट मतलब अ पॉइंट ऑफ कंसर्न बट फिर भी अगर आपके पास कोई भी रिविजन नोट्स नहीं है एंड यू वॉन्ट कि नहीं मैम हमें तो ये चार्ट इफेक्टिव लग रहे हैं और हमें भी ये चार्ट चाहिए तो जिनके पास नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन हम लेके आए हैं दैट इज द डिजिटल वर्जन इन आर ऐप सो यू कैन चेक आउट ऐप बुक माई वीडियो और वहां पे आप सब्सक्राइब uh, कर सकते हो हमारे डिजिटल वर्जन ऑफ ओके सो एंजॉय हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट लेट्स नॉट रिवाइज द चैप्टर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी फैक्ट्रीज एक्ट के चैप्टर में या आई वुड से फैक्ट्रीज एक्ट विच इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसमें टोटल इलेवन चैप्टर्स हैं वन ट्वेंटी सेक्शन है और तीन शेड्यूल्स हैं पर सारे के सारे सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर इलेवन जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है वो सप्लीमेंटल कुछ बातें रहती हैं तो जो सेक्शंस हमें पढ़ने हैं उनको कंप्राइज करके आज हम रिवर्जन यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहली बात करें फैक्ट्रीज एक्ट क्या है एक लेबर लॉ है वी ऑल नो दैट राइट तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं हमारे उनके बेनिफिट के लिए उनकी सेफ्टी के लिए उनके हेल्थ के लिए उनके वेलफेयर के लिए पर्टिकुलर लॉ लाया गया है ये पर्टिकुलर प्रोविजन लाया गया है दिस इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन आप देखोगे कि पूरे एक्ट में आपको देखिएगा दैट पावर टू मेक रूल्स हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट तो जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के हिसाब से कुछ रूल्स बना सकते हैं कुछ इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं कुछ सर्टिफाइड सर्जन हैं देर आर लॉट ऑफ अथॉरिटीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस एक्ट एंड दे हैव अ रोल टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले ठीक है पर्पज या इंटेंशन इस पूरे के पूरे एक्ट का सिर्फ यही है कि आप हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स को प्रमोट करना चाहते हो ठीक है यार एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू एंश्योर कि स्कूल की प्रोमाइसिस क्लीन है टू एंश्योर कि उनका चा, जो चाइ चिल्ड्रेन आ रहे हैं पढ़ने वो सेफ हैं कि नहीं तो ऐसे ही वर्कर्स आ रहे हैं फैक्ट्री में यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द बेसिक इम्यूनिटीज विद द बेसिक नीड्स जो उनकी हेल्थ को हैम्पर करें ऐसी चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है यू हैव टू एंश्योर दैट दे स्टे सेफ बिकॉज समटाइम्स दर्किंग कंडीशंस में भी एडवर्स समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़ी पुरानी मशीनरीज हैं कभी भी मशीनरी की वजह से एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं बड़ी पुरानी बिल्डिंग है बिल्डिंग को लेप्स कर जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और लोग बिजनेस के पीछे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो लॉ की ज़रूरत है और एक यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत थी तो ये पूरा का पूरा लॉ आया है अच्छी वर्किंग कंडीशन लीव सैनिटाइजेशन हजारडिय सब्सटेंसेस का यूज़ तो सेफ्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं सो वेयर इज इट एप्लीकेबल इज इट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इज यस इज इट एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज विच बिलॉन्ग टू गवर्व आंसर यस ठीक है तो उनपे भी एप्लीकेबल होता है uh, तो हर फैक्ट्री जो पे मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है सबसे पहले हम एक-एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे वी विल आल्सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री सिंस वी आर रिवाइजिंग एंड यू ऑलरेडी नो द चैप्टर तो हम इसी फ्लो में जिस फ्लो में हमें दिया हुआ है हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं ठीक है अदरवाइज मैंने सबसे पहले आपको फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई है ओके चल तो इट केव इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 1949 दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड पहली डेफिनेशन जो यहां पे हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन की कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं पर्सन विच इज रेकनाइज बाय चीफ इंस्पेक्टर ठीक है किसको को करेंगे एज चीफ चीफ इंस्पेक्टर यू ऑल नो जो लेबर डिपार्टमेंट में हाइएस्ट हिराकीन पोजिशन होती है वो चीफ इंस्पेक्टर की होती है दे आफ्टर यू हैव एडिशनल इंस्पेक्टर्स यू हैव इंस्पेक्टर्स यू हैव सर्टिफाइड सर्जन ऑल्सो बहुत सारे लोग होते हैं राइट दे हैव डिफरेंट जॉब रोल्स टू प्ले नो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रिक्वायरिंग डिफरेंट कॉम्पिटेंट पर्सन राइट जैसे अगर हमें बिल्डिंग का असेसमेंट करना है हमें देखना है कि यार ये बिल्डिंग गिरेगी तो नहीं तो उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए है ना तो उसके लिए कौन चाहिए होगा मोस्ट प्रोबेबली विल बी नीडिंग अ सिविल इंजीनियर तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर जो क्वालिफिकेशन जिसका पोजिस कर रहा उसी को हम हायर कर सकते हैं एज कॉम्पिटेंट पर्सन तो ऐसे जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जब जिस भी पर्पज के लिए रिक्वायर्ड है वैसा बंदा होगा उसको रिकोगनाइज करता है चीफ इंस्पेक्टर उसको हम बोलते हैं कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन है सो वट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पर्सन हु इज रिकोगनाइज बाई चीफ इंस्पेक्टर फॉर कैरिंग आउट टेस्ट एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन हैविंग रिगार्ड टू हिस् क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड द फेसिलिटीज अवेलेबल इन अ फैक्ट्री ठीक है तो इतनी चीज़ आपको ब्रॉडली दिमाग में एकदम भर लेनी है दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा हजारडिस्ट प्रोसेस का हजारडिस सबस्टेंस जो होता है अगर वो डील हो रहा है या कहीं पे भी कुछ ऐसा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो या कुछ बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है या वेस्ट है या इफ्लुएंस है कुछ भी है ऐसा कुछ निकल रहा है विच इज एक्चुअली इधर कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ टू वर्कर्स या फिर जनरली हमारे एन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज हो रही है तो ऐसे प्रोसेस या एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे हजारडेस्ट प्रोसेस दे आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल तो हमारे पास जो तीन शेड्यूल्स है फैक्ट्रीज एक्ट में उसमें फर्स्ट शेड्यूल में हजारडस्ट प्रोसेस या एक्टिविटी के बारे में mentioned है एंड विच कैन आल्सो बी एमेंडेड आई वुड से बाय द स्टेट गवर्नमेंट तीसरा आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि यार कुछ बन ही रहा है ठीक है आप बना रहे हो अल्टर कर रहे हो रिपेयर कर रहे हो फिनिशिंग दे रहे हो ठीक है पैकिंग ऑयलिंग वॉशिंग क्लीनिंग ब्रेकिंग अप या डीमॉलिशिंग या पंपिंग ऑयल वॉटर सीवेज जनरेटिंग पावर प्रिंटिंग लिथोग्राफी कंस्ट्रक्टिंग रिपेयरिंग शिप्स वेस प्रिजर्विंग कोल्ड स्टोरेज बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसमें से आप कुछ भी कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ठीक है मतलब आप रिपेयर भी कर रहे हो तो वो भी हमारा क्या आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा आ जाता है ठीक है ओके okay. देन कम्स वर्कर वर्कर कौन होता है जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया गया हो फॉर रेम्यूनरेशन और फॉर नॉट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना पता हो आपने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के थ्रू दे दिया हो कि भाई तू ले आना चार वर्कर दस वर्कर इस टाइप से किसी भी तरीके से किया हो वो वर्कर कहलाएगा वो एंगेज होना चाहिए इन इधर द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस और क्लिनिंग क्लीनिंग और क्लीनिंग द प्रोमाइस और क्लीनिंग द मशीनरी या फिर कोई भी और इंसिडेंटल वर्क और नेसेसरी वर्क विच इज एसोसिएटेड विद द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है तो मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे कैंटीन में वो होते हैं वो भी हमारे वर्कर्स ही इंक्लूड हो जाते हैं पर एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है जो आप सबको दिमाग में रखना है और याद रखना है वो क्या है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस तो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वर्कर नहीं कहलाएगा ठीक है अब आती है हमारी बात फैक्ट्री की ठीक है फैक्ट्री क्या होती है कोई भी प्रमाइस इंक्लूडिंग इट्स एरिया जिसको हम बोलते हैं जहां पे अगर पावर का यूज करके विद एड ऑफ पावर हो रहा है तो 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर विदाउट एड ऑफ पावर हो रहा है तो 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर ऑन एनी डे मतलब पिछले बारह महीने में उन्होंने किसी भी एक दिन ज्यादा इतने वर्कर्स को काम किया है तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी तो लग गई ठीक है तो आप फैक्ट्री तो कहला गए ठीक है एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच मैनुफैक्चरिंग इज कैरिंग आउट देखो अगर जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक शुगर फैक्ट्री है और वो सीजनल है मतलब वो साल भर में सिर्फ पांच महीने ऑपरेट करती है तो क्या वो फैक्ट्री है द आंसर इज येस तो जरूरी नहीं है कि हर समय वो काम कर रही हो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनरली कैरीड आउट होती है देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री ओनली ठीक है पर हम किसको फैक्ट्री नहीं मानते हैं हम माइंस को रेलवे रनिंग शेड्स को मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो पोर्टेबल यूनिट्स होती हैं हमारी होटल्स और ईटरीज इसको नहीं मानते हैं नहीं तो कहीं पे भी रेस्टोरेंट में चल जाएंगे यार खाना बन रहा है खाना बन रहा है इसको तो फैक्ट्री बनाओ है ना तो फैक्ट्रीज आइए तो इसको हम फैक्ट्री नहीं मानते हैं ठीक है ठेके? उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन ऑक्यूपायर की ऑक्यूपायर कौन होता है जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी अगर फर्म है ठीक है हम उसकी बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होगा मतलब इफ द फर्म इज ओनिंग दैट फैक्ट्री इट इज बीइंग रन बाय द फर्म तो कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टनर को हम ऑक्यूपायर इट इज गोइंग टू बी डीम्ड एज ऑक्युपाइड अगर कंपनी है तो वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स ठीक है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी की फैक्ट्री है तो जो भी बंदा उन्होंने अपॉइंट किया है ठीक है उसको हम बोलेंगे ऑक्युपाइड अब एक प्रॉब्लम आती है शिप्स के केस में ठीक है तो अब शिप्स के केस में रिपेयरिंग हो रही है वहां पे तो वो मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री ही कहला गई अब यहाँ पे दो लोग होते हैं कौन होते हैं एक तो डॉक डॉक का ओनर और दूसरा होता है हमारा वो शिप तो शिप का ओनर ठीक है अब आप एक बात समझो अगर आप अपार्टमेंट्स में कभी भी रहे हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम अपने फ्लैट को उसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है पर जो फ्रेमाइसिस है उसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है मतलब हम गंदा नहीं करेंगे पर डेली की साफ सफाई हम तो ही ना जाके करेंगे वो कौन करता है भाई जो भी उसकी देख कर रहा है है ना या जिसके फ्लैट्स हैं मान लो अगर हमने वहां पे एक सोसाइटी या एसोसिएशन बन रखा है तो वो लोग करते हैं है ना तो अपने अपने घर की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि पूरा डॉक जिसका है वो डॉक की क्लीनलीनेस डॉक की लाइटिंग डॉक का वेंटिलेशन इन सब की जिम्मेदारी किसी और को लेनी पड़ेगी और जो पर्सनल शिप है या शिप का जो ओनर है जो वहाँ पे रिपेयरिंग का, का काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी वो अलग पर्सन लेगा तो कुछ सेक्शंस के लिए जो ओनर ऑफ डॉक होता है उसको ऑक्यूपायर माना जाता है और कुछ सेक्शंस के लिए जो ओनर ऑफ शिप होता है उसको ऑक्यूपायर माना जाता है ठीक है तो यहाँ पे ऑब्वियसलीर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस तो दे विल बी डीम्ड एज ऑक्यूपायर अकॉर्डिंगली ठीक है उसके बाद सेक्शन सिक्स वगैरह में कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह की कुछ बातें रहती हैं जो खैर हमें पढ़नी नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड सेक्शन सेवन आता है सेक्शन सेवन इज ऑल अबाउट नोटिस बाई ऑक्यूपायर तो ऑक्यूपायर जब कभी भी आप किसी भी प्रपाइस को यूज करने वाले होते हो एज फैक्ट्री तो उसको यूज करने से पहले पंद्रह दिन पहले एटलीस्ट आपको एक रिटन नोटिस देनी होती है जिसमें आप नेम एड्रेस ऑफ फैक्ट्री एंड ऑक्यूपायर एंड द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस दैट यू आर गोइंग टू कैरी आउट मतलब क्या उसका नेचर है ठीक है और आपके वर्कर के डिटेल्स ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो चीफ इंस्पेक्टर को हम बता देते हैं अगर हम कभी भी कोई नया मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो उसका भी डिटेल हम सात दिन के अंदर अंदर वो भी नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को दे देते हैं ये दोनों क्या है ड्यूटी है ऑक्यूपायर की इसके साथ साथ एक ड्यूटी और बनती है जो सेक्शन सेवन ए में दी हुई है वो ये दी हुई है कि हर ऑक्यूपायर को वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखना है दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर वी विल रीड ए न्यूमरस मेजर्स ऑफ दैट ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एक चीज जो आपके पूरे के पूरे एक्ट में या पूरे के पूरे उसमें रिक्वायर्ड होगी बट दी हुई नहीं है वो क्या है कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे एडल्ट किसको बोलते हैं हु हैज अटेंड द एज ऑफ एटीन इयर्स मतलब 18 साल के हो या उससे ऊपर के हो तो आप एडल्ट हो आप एडोलिसेंट कब होगे गए यू हैव कम्प्लीट फिफ्टीन ईयर्स बट यू हैव नॉट कम्प्लीटेड एटीन ईयर्स मतलब आप पंद्रह साल के तो ऊपर के हो मतलब पंद्रह साल या उसके ऊपर के हो पर आप साल से नीचे के हो ठीक है एंड देन देर इज अ चाइल्ड चाइल्ड यूजअली हम समझते हैं फोर्टीन ईयर्स लेस नहीं चाइल्ड इज लेस देन फिफ्टीन ईयर्स वन हुज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स ठीक है नाउ ही कुड बी समवन हु हैज हु हुई थर्टीन ईयर्स इज फोर्टीन ईयर्स पर अगेन ये जो चाइल्ड और एडोलिसेंट होते हैं इनको हम यंग पर्सन की कैटेगरी में लाते हैं और यंग पर्सन को एम्प्लॉय करने के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है एक बात यहां पे मैं और बता दू समन हुज नॉट इवन अटेंड द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स उसको तो फैक्ट्री में काम करने के लिए प्रोहिबिशन है बट समवन हुज अटेंड द एज ऑफ फोर्टीन बट नॉट द एज ऑफ फिफ्टीन तो वो चाइल्ड तो रहेगा बट ही इज अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ठीक है तो अभी एक एक करके हम समझेंगे कैलेंडर ईयर जो हमारा होता है फर्स्ट जनवरी से ट्वेल्व मंथ्स का होता है ठीक है वीक की अगर हम बात करें तो मिड नाइट सैटरडे सेवन डेज का हमारा वीक होता है संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक शिफ्ट की अगर हम बात करें या रिले की अगर हम बात करें तो जैसे होता है ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आप देखोगे कि आठ से आठ की नर्सेज की शिफ्ट है तो पहले आठ से आठ चार नर्सेज रहती हैं देन दे गो एंड अदर फोर नर्सेस का तो ये जो चार नर्सेज का ग्रुप है ये क्या कहलाता है एक रिले कहलाता है ऐसे फैक्ट्रीज में भी होता है ये पर्टिकुलर मशीनरी एम्प्लॉयड है यहाँ पे चार लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं ये चार हटेंगे दूसरे चार आएंगे तो ये चार हटेंगे जब एक शिफ्ट ओवर हो जाएगी ठीक है तो वन दैट पीरियड इज कॉल्ड शिफ्ट एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड रिले ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन एट और नाइन में हम पढ़ते हैं इंस्पेक्टर के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुछ पर्सन को विद प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अपॉइंट कर सकते हैं एज इंस्पेक्टर अब ये इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है भाई ये किसी भी जगह घुस के देख सकते हैं कि यार तुम फैक्ट्री तो नहीं चला रहे हो हमको तो सस्पेशन है यहाँ पे कुछ मैनुफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ पे फैक्ट्री इसको कहलाएगा ये फैक्ट्री क्यों कहलाएगी क्योंकि आपने बीस लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है और बीस लोगों को इंप्लॉय कर रखा है आप काम करा रहे हो आप इनको बेसिक कम्यूनिटीज नहीं दे रहे हो कुछ नहीं दे रहे हो ये इतने छोटे से कमरे में आपने पच्चीस लेबर्स लगा रखे हैं तो ये तो बहुत नाइंसाफी है तो अगर उनको शक होगा दे विल एंटर इन टू दैट प्लेस एंड दे विल एग्जाम इन दट प्लेस सो दे कैन द प्रोसेस दे कैन एग्जाम इन पर्टिकुलर प्लांट ऑल्सो दे कैन एग्जाम इन अ आर्टिकल आर्टिकल्सो ठीक है अगर उनको कोई एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है कि यहां पे किसी की डेथ हो गई यहाँ पे किसी की डिसेबिलिटी हो गई बिकॉज ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क तो भाई वहां जाएंगे वहां पे एग्जामिन करेंगे लोगों की स्टेटमेंट ले लेंगे क्या आपको सुख सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है क्या आपका इतने सारे आप वर्कर्स जो फर्स्ट एड बॉक्स रखा है कि नहीं रखा है कभी किसी को चोट तो नहीं लग जाती है ठीक है आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं बिकॉज इन थ्रू आउट दी एक्ट आपको कई जगह रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत है बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है तो क्या आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो भाई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज भी किया जा सकता है फॉर एग्जामिनेशन या और उनको इन्वेस्टिगेशन कुछ करना हो तो कुछ कुछ आर्टिकल्स को लेके भी जा सकते हैं उनको लगता है 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 यार ये ये जो वेस्ट निकल रहा तो तो बहुत हार्मफुल आप इसी तरीके से डिस्पोज़ ऑफ़ कर दे तो उन्होंने ऐसे ही ले लिया। ठीक तो सर्टिफाइड तो सर्जन तो हाँ, okay. uh, कौन होते हैं

फिट अ टू वर्क इन फैक्ट्री तो वो कौन देगा सर्टिफाइड सर्जन देगा आफ्टर ही एग्जामिन दूसरा कई बार ऐसे लोग जो डेंजरस प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको एग्जामिन करना होता है ठीक है तीसरा मेडिकल सुपरविजन मेडिकल सुपरविजन तीन केसेस में पहला भाई कंडीशंस ऑफ वर्क ऐसी हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारी इलनेस रिपोर्ट हो रही है तो वहाँ पे मेडिकल सुपरविजन ऐसी सिचुएशन है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई चेंज हुआ है या फिर आपने कोई सब्सटेंस चेंज किया या फिर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो या कोई नया सब्सटेंस लेके आए हो तो उसकी चेंज की वजह से उस नएपन की वजह से देर आर हाई चांसेस कि भाई वर्कर्स की हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है या उनको इंजरी हो सकती है तो वहाँ पर मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है कई बार ऐसा भी हो सकता है ऑल इट इज नॉट अलाउड बट यंग एम्प्लॉयड इन सच अ वर्क उनकी हेल्थ हैम्पर हो रही है तो वहां पे मेडिकल सुपरविजन ठीक है अब आते हैं हम एक एक करके वेलफेयर मेजर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेल्थ मेजर्स की ठीक है हाँ वेलफेयर मेजर्स वेलफेयर मेजर्स क्या वेलफेयर इज इज अ ब्रॉड थिंग आई वुड से यहाँ थीज़र, थीज़र बट हेल्थ मेजर्स ऐसे ही लिख लेते हैं हाँ। ठीक है हाँ। वेलफेयर में सब चीजें आ जाती हैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है बट क्योंकि हम उसके नीचे डायरेक्टली हेल्थ वाले पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने काट के ऐसे हेल्थ मेजर्स ही लिख दिया है ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या आती है क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस क्या रखनी है हाँ मैम ऑफकोर्स रखनी है क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लूविया एफ्लूविया क्या होता है बच्चों Uh, जैसे गंध आप समझ लो है ना तो वो जो अनप्लेजेंट uh, सा ऑर्डर आता है ऑर्डर आता है ना उसको हम बोलते हैं फ्लूविया तो भाई ऐसा नहीं आना चाहिए क्लीन फ्री इन्वायरमेंट रखना है जो भी डर्ट वगैरह फ्लोर्स बेंचेस चेयर के इस पर सब पे आ जाए उस साफ़ कर दो इफेक्टिव ड्रेनेज रखो इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली हमें करनी होती है कौन कौन सी चीज़ें पहली बात अगर हम करें तो हर वर्क रूम uh, की सफाई वंस इन एवरी वीक ठीक है तो वीकली करनी है कैसे करनी है भाई कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसे हम लोग अपने घर में लाइजॉल वगैरह यूज करते हैं वैसे आप कोई भी मेथड से काम कर सकते हैं दूसरी बात आती है हमारी वाइट वॉश की वाइट वॉश हमें कब कराना है वंस इन फोर्टीन मंथ्स तीसरी बात आती है जैसे अगर हमारे सरफेस पे पेंट या वार्निश वगैरह की हुई है तो उसको रिपेयर आप कराते रहो कोई गड्ढे वड्ढे नहीं हो और री वार्निश कराओ कब पाँच साल में एक बार ठीक है सरफेस अगर वॉशेबल है तो भाई उसको छः महीने में एक बार आप धो देंगे और अगर स्मूथ इम्परवियस सरफेस है तो भाई जैसे भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं जैसे टाइल्स वाइल्स अगर लगे हुए हैं या कुछ भी जो भी है तो वंस इन अ पीरियड ऑफ फोर्टीन मंथ्स हम उसको पेंट वार्निश या जिस भी तरीके से करेंगे वैसे एज द मेथड मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है सारे डोर्स विंडोज जो भी हैं उन उनपे अगर वार्निश लगनी है उनको अगर पेंट मारना है तो पाँच साल में एक बार वो भी होगा आप इसका एक रजिस्टर मेंटेन करोगे जब भी आप ये काम कराओगे क्या करोगे उसमें एंट्री कर दोगे ठीक है तो जैसे ही एंट्री होगी पता चल जाएगा इसके बाद और हेल्थ मेजर्स कौन कौन से हैं सेक्शन ट्वेल्व बोलता है कि आपके जो भी वेस्ट निकलता है या एफ्लुएंट निकलता है उसका इफेक्टिव अरेंजमेंट करिए कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है सेक्शन थर्टीन हमको बोलता है वेंटिलेशन और टेम्परेचर वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऐसे एकदम क्लोज कॉम्पैक्ट रूम नहीं होना चाहिए जहाँ पे एयर भी पास नहीं हो रही है सफोकेशन फैक्ट्रीज में वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है सो देर हैज टू बी फ्रेश एयर एंड वेंटिलेशन इन एवरी वर्क रूम राइट आपको कई बार अगर ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में कहीं काम कर रहे हैं देन दैट इट इट शुड बी सेपरेट मतलब वो जब बाहर निकले तो उनको एक ऐसी जगह मिले uh, जहाँ पे वो उनका टेम्परेचर को मैनेज किया जा सके उनके टेम्परेचर को बैलेंस किया जा सके आप कंडीशंस ऑफ कंफर्ट उनको प्रोवाइड करो ठीक है हाँ नॉर्मली ये कंफर्टेबल टेम्परेचर देना ही देना है अगर कहीं पे ऐसा है कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है भाई तभी प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है तो फिर सेपरेट देयर प्रोसेसेस फ्रॉम देयर रेस्ट रूम या जो भी आपकी चीजें हैं ठीक है सेक्शन फोर्टीन आता है हमारा डस्ट एंड फ्यूम का सेक्शन कई बार डस्ट निकल रही है या फ्यूम्स निकल रहे हैं सो इट मे बी इंजूरियस टू हेल्थ तो पहली बात तो भाई हमें यह देखना है कि वो भर ना जाए रूम में एक्यूमलेट ना हो जाए दूसरी बात हमें ये देखनी है कि इनहेल ना कर ले लोग तो भाई बहुत ज्यादा एक्यूमलेट होगा तो ऑब्वियस इन्हेलेशन होगा तो इसके लिए हम करें क्या एग्जॉस्ट लगाओ तो एग्जॉस्ट अप्लायंस जो होता है दैट शुड बी अप्लाइड ताकि फ्यूम्स जो है वर्क रूम्स में इकट्ठा ना हो सेक्शन फिफ्टीन आता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का ह्यूमिडिटी आजकल तो ह्यूमिडिफायर आ रहे हैं है ना ताकि फ्रेश एयर हमारी बनी रहे तो पहली बात स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं क्या कि ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन है इस तरीके से आपको ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करना है इस तरीके से आपको टेस्ट करना है कि ह्यूमिडिटी कितनी है एंड ये मेथड्स आप एडोप्ट कर सकते हो ठीक है सेक्शन सिक्सटीन ओवरक्राउडिंग नहीं करनी है भाई एक रूम है तो पर वर्कर के हिसाब से एटलीस्ट फोर्टीन पॉइंट टू क्यूबिक मीटर की स्पेस होनी चाहिए विच राफली कम्स आउट टू भी वन फिफ्टी स्क्वायर फिट ठीक है सेक्शन सेवनटीन आता है हमारा लाइटिंग का सेक्शन लाइटिंग का भाई हर रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए कोशिश करनी है कि भाई सनलाइट आए अगर नहीं आ रही है तो कोई और लाइट आ जाए कई बार आप ग्लास विंडो वगैरह तो लगा देते हो कि वहाँ से लाइट आएगी पर वो इतनी ज़्यादा गंदी रहती है कि इट तो ऑब्स्ट्राक्ट्स द होल व्यू तो आ ही नहीं रही है तो भाई साफ सफाई उसकी रखो अंदर से बाहर से दोनों साइड से क्या करेंगे हम उसको क्लीन रखेंगे ताकि ऑब्स्ट्रक्शन कोई ना हो एंड वी विल ऑल्सो प्रिवेंट द ग्लेयर जैसे जो चमकता है ना कि रिफ्लेक्शन से भाई आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है या एक्सीडेंट होने के चांसेस है अचानक से वो चमका कुछ दिखाई देना बंद हो गया तो वो सारी चीजें नहीं करनी है सेक्शन 18 आता है ड्रिंकिंग वाटर का ड्रिंकिंग वाटर हर जगह आपको प्रोवाइड करना ही करना है सो एट हैज टू बी होल्डसम ड्रिंकिंग वाटर क्लीन फ्रेश बट अगर आपके टू से ज्यादा वर्कर्स हैं देन यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड कूल ड्रिंकिंग वाटर गर्मियों का मौसम होता है ना तो ठंडे पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ठीक है ओके okay. एंड जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर का प्लेस होगा दैट हैज़ टू बी सिक्स मीटर्स अवे फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस यूरिनल्स या एफ्लुएंस कहीं से भी अगर निकल रहे हैं तो उससे थोड़ा दूर रखो मतलब सीवेज दिख रहा है यहीं पे बगल में हमने पानी लगा दिया पीने का तो नहीं वो कंटामिनेट हो जाता है उसे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है सेक्शन नाइनटीन

अब आप लोग पता नहीं क्या समझो बट स्पिटूस को स्पिटून से समझना ठीक है एट कन्वीनियंट प्लेसेज दैट इज समथिंग विच इज नीडेड नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर फोर ऑफ द एक्ट विच टॉक्स अबाउट सेफ्टी मेजर्स ठीक है तो सेफ्टी मेजर्स क्या है आइडियली हमको पढ़ने ही नहीं है ठीक है सेफ्टी मेजर्स के बहुत सारे प्रोविजंस हैं बट सेपरेटली हमको अलग 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 सेक्शंस नहीं पढ़ने हम डायरेक्टली ये क्या पढ़ रहे हैं उसके बाद हम वेलफेयर मेजर्स पे आ जाते हैं खैर सेफ्टी मेजर्स में क्या है फेंसिंग ऑफ मशीनरी भाई मशीनरी है तो उसके अगल बगल कुछ वो हो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स एकदम क्लोज मशीनरी तक पहुँच जा रहे हैं बिकॉज़ अगर वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट में आके कभी भी मशीनरी के कोई भी पार्ट में आ, उनका कपड़ा फंस सकता है कुछ भी हो सकता है तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है तो कई बार मशीनरी दे आर इन मोशन सो वी शुड नॉट वर्क नियर द मशीनरी ठीक है अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन्स राइट एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन्स वी शूड नॉट डू दैट देर आर प्रोविजन्स मेड फॉर दैट ऑल्सो ठीक है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पार कई बार ऐसी मशीनरी हम घर पर भी क्या करते हैं मिक्सी चलाया माइक्रोवेव चलाया अचानक से होने लगा तुरंत वी कट ऑफ द पार तो भाई मशीनरी इतनी हैवी हैवी होती है तो उसके भी पार का कुछ होना चाहिए कि इमीडिएटली वी कैन कट ऑफ द पार सेल्फ एक्टिंग मशीन्स से होती है तो उसके लिए प्रोविजन हमारे बने हुए केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी भाई नट बोल्ट अच्छे से कसो ऐसा नहीं हो कि मशीनरी नहीं आई और पता नहीं कैसे आपने लगाई कि प्रॉब्लम हो गई ठीक है तो लिफ्टिंग मशीन सब हैवी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि भाई हम जिससे मशीन को उठा रहे हैं वो तो ऐसे लोअर क्वालिटी का था कि इतना वेट वो सही नहीं पाया उसने मशीन धड़ाम से गिराई सारे वर्कर्स को चोट लग गई ठीक है हाँ तो पिट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेफ्टी ऑफिसर्स हम अपॉइंट करते हैं ठीक है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर डेंजरस फ्यूम्स ठीक है सेफ्टी ऑन बिल्डिंग्स एंड मशीनरी तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं तो जब भी आपसे सेफ्टी मेजर्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेफ्टी के रिस्पेक्ट में वी आर नॉट रीडिंग द इंडिविजुअल सेक्शंस यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है हम नहीं पढ़ रहे हैं सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हम बस यही पढ़ते हैं ठीक है बस हमको यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है हेल्थ के मेजर्स में हमने इतने सारे सेक्शन पढ़े सेफ्टी के मेजर्स में ये सब सेक्शन है बच्चों एक, एक 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 पर हमें पढ़ने नहीं है ठीक है उसके बाद आता है हमारा चैप्टर फोर व्हिच टॉक्स अबाउट द प्रोसेस उसमें हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं साइट अप्रेजल कमिटी का अब क्या हो रहा है जब भी कोई फैक्ट्री खुलेगी जिसमें हजार प्रोसेस हो रहा है या फिर आप उसकी एक ब्रांच खोल रहे हो आप ऑलरेडी हजारडिस प्रोसेस या एक्टिविटी कैरी आउट करते थे एक फैक्ट्री में अब आप एक और फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है एक साइट अप्रेजल कमिटी को अपॉइंट करती है ना इफ आई वॉन्ट टू ओपन अ फैक्ट्री विच इज गोइंग टू इन्वॉल्व हजार डिस प्रोसेस आई मेक एन एप्लीकेशन कि आप मेरे को अप्रूवल दो तो वो मुझसे और इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग लेंगे और उसके बाद ये साइट अप्रेजल कमिटी मुझसे जो भी मांगेगी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन देखेगी दे विल मेक अ रिपोर्ट एंड गिव इट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी फिर वो एप्लीकेशन मेरी अप्रूव कर देगी ऐसे लिख लेना ठीक नो फर्दर अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड या कोई भी और पोल्यूशन अथॉरिटीज़ अगर हमें ये अप्रूवल मिल गया है तो ठीक है ओके इसके बाद ये सारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ वगैरह आती हैं और इसी में से अगर हम कुछ पूरी नहीं करते हैं फोर्टी वन 41 फोर्टी वन सी कुछ चीज़ें हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर पेनाल्टी भी लगती है जो सेक्शन 96 सिक्स ए में दी हुई है ठीक है नौ ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है अंडर सेक्शन 41 बी कि वो डिस्क्लोज़ करे कुछ इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन हेल्थ हजार्ड्स क्या हो सकते हैं अगर आप इस फैक्ट्री में काम करोगे तो भाई ऑब्वियसली ये ये चीज़ें होती हैं तो दिस इज़ अल्थ रिस्क विच मे अकर ठीक है तो आपको ये इन्फॉर्म करना है पहले से ही ठीक है जो भी डेंजर्स है विच मे बी प्रोन तो यू हैव टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेंजर आपको एक डिटेल्ड पॉलिसी बनानी है हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ एंड सेफ्टी दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू डिस्क्लोज फिर डिजास्टर कंट्रोल प्लान बिकॉज फैक्ट्री है भाई कुछ भी हो जाए तो आपको कैसे बाहर निकलना है तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान जो होता है वो आपका हमेशा रेडी होना चाहिए एंड देन देयर हैज बी मेजर्स फॉर हैंडलिंग सच सबस्टैम्स बिकॉज हम हजार डस्टैंप्स की बात कर रहे हैं तो कैसे उसको हैंडल करना है कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है कैसे उसको स्टोर करना है कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ठीक है कैसे उसको सप्लाई करना है ठीक है तो वो सारी चीजें ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि आपको डिस्क्लोज करना है इसके अलावा यू हैव टू मेनटेन एम्प्लॉय हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड यू कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन कि हजार डे सबस्टैंड है आपके कंट्रोल में रहेगा या आप उसको देख रेख करोगे नहीं वहाँ पर आप यंग पर्सनस को एम्प्लॉय नहीं करोगे दे हैव टू बी एक्सपीरियंसड पर्सन ठीक है न सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है कि वो इंक्वायर कर सकते हैं कि आप क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्व कर रहे हो उनके पास पावर है कि वो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स को ले डाउन कर सकते हैं मैक्सिमम कितने हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सपोज हो सकते हैं इन टू दर दैट इज़ बीन गिवन इन सेकेंड शेड्यूल तो सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से ही होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारी लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट हमें वहां दी हुई है ठीक है ऑक्यूपायर जो है वो एक सेफ्टी कमिटी सेटअप करेगा जिसमें वर्कर्स uh, और मैनेजमेंट का इक्वल कोऑपरेशन होता है ठीक है मतलब कोऑपरेशन के लिए ही ये बोला ही गया है ठीक है जिसमें मैनेजमेंट भी अपनी बातें रख सके वर्कर्स ग्राउंड रियालिटी जो फेस कर रहे हैं वो भी अपनी बातें रख सके एंड दे कैन ज्वाइंटली वर्क टूवर्ड्स इट ठीक है एंड देन वर्कर्स को कभी भी अगर लगता है भाई ये मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है या कुछ भी ऐसा है भाई उनको लगा कि यार ये तो खतरा हो सकता है तो दे विल इमीडिएटली नोटिफाइड टू ऑक्यूपायर और ऑक्यूपायर इमीडिएट एक्शन लेगा एंड विल ऑल्सो रिपोर्ट द सेम टू इंस्पेक्टर ठीक है अब आते हैं हमारे welfare measures, chapter 5 में जो आते हैं हैं हमारे में में जो ठीक है है सबसे पहला क्या फैसिलिटीज hey, आपको प्रोवाइड करनी है हाँ दो, कपड़े धोने की ठीक है तो एडिक्वेट सूटेबल फैसिलिटीज होनी चाहिए मेल फीमेल के लिए सेपरेटली होनी चाहिए साफ सुथरी रहनी चाहिए सेक्शन फोर्टी थ्री आता है हमारा प्लेस फॉर कीपिंग क्लोथ्स एंड फॉर ड्राइंग ऑल्सो वेट क्लोथ्स ठीक है तो अब कहीं पर भी तो नहीं रख दिए जाएंगे एक जगह होनी चाहिए भाई वी कम टू द फैक्ट्री वी चेंज टू आर यूनिफॉर्म और वट एवर वी हैव टू वेयर तो जो हमारे क्लोथ्स है जो उतरे हैं वो कहाँ रखे जाएंगे ठीक है तो सूटेबल प्लेसेस हम बनाएंगे एंड अरेंजमेंट्स हैज बी मेड सेक्शन फोर्टी फोर आता है अरेंजमेंट्स फॉर सिटिंग देखो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में स्टैंडिंग पोजिशन पर बहुत घंटों काम करते हैं तो भाई उनके लिए वेन दे आर रेस्टिंग जब उनको रेस्ट टाइम मिलता है तो वो कहाँ पर बैठेंगे उसका प्रोविजन बनाना सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव फर्स्ट एड अप्लायंसेस हर किसी के पास होनी चाहिए हर फैक्ट्री में होनी चाहिए वन फिफ्टी वर्कर्स पे एक होनी चाहिए एंड सेपरेटली रखी जाएगी इन चार्ज ऑफ अ पर्सन जिसको एटलीस्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना आता हो ठीक है अगर आपके वर्क फैक्ट्री में पाँच सौ से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एम्बुलेंस नर्सिंग स्टाफ एट ऑल टाइम्स वो भी होना चाहिए ठीक है फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर फोर्टी सिक्स कैंटीन्स के बारे में तो कैंटीन अगर ढाई सौ से ज्यादा वर्कर्स हैं तो कैंटीन की आवश्यकता है कैंटीन सेटअप करने का खर्चा एम्प्लॉयर बियर करेगा सेक्शन फोर्टी सेवन आता है शेल्टर्स रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स

और वहां पे छह साल तक के जो आपके बच्चे होते हैं वहां पे वो आ सकते हैं और वो वहां पे रह सकते हैं दे कैन यूज दैट रूम ठीक है वहां पे भी अगेन क्लियर और फ्री सैनिटरी कंडीशन होनी चाहिए देन कम्स यू सेक्शन नंबर फोर्टी नाइन वेलफेयर ऑफिसर्स की अगर पाँच सौ या उससे ज्यादा ठीक है इफ मोर मोधन और इक्वल टू इफ मोर मोधन और इक्वल टू फाइव हंड्रेड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री तो वेलफेयर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है चल ये हमारा हो गया हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर मेजर्स अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी कम टू ड्यूटी आवर्स ड्यूटी आवर्स की अगर हम बात करें एक एडल्ट वर्कर के लिए तो भैया आप फोर्टी एट आवर्स से ज़्यादा एक वीक में काम नहीं करोगे आप नाइन आवर्स से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करोगे अगर हम इंक्लूडिंग रेस्ट कर ले तो टेन पॉइंट फाइव आवर्स से ज़्यादा का आपका स्प्रेड नहीं होना चाहिए और हर पाँच घंटे पर एटलीस्ट आपको आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसके बाद हॉलीडेज की बात करते हैं तो हर हफ्ते का पहला दिन आपका छुट्टी का होगा बिकॉज द वीक स्टार्ट विथ संडे अगर आपको संडे पे छुट्टी नहीं मिलती है तो आपको वीक में मतलब मंडे ट्यूजडे वेंस्डे या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी दिन तीन, तीन दिन आगे तीन दिन पीछे जो भी आप समझ लो आपको छुट्टी मिलेगी पर पर इस बात की जानकारी प्री हैंड मैनेजर को बतानी चाहिए डिलीवर कर देनी चाहिए नोटिस और इसको डिस्प्ले भी कर देना चाहिए ठीक है फैक्ट्री में तो फिर अलाउड होगा अगर आपको हॉलीडे नहीं मिलती है फॉर सम रीजन कि भाई प्रेशर है, ये है वो है तो आप कॉम्प ऑफ़ ले सकते हो कंपेंसेट्री हॉलीडे ले सकते हो उसी मंथ में या अगले दो महीने में ठीक है ओके नाउ अगर मान लीजिए फॉर सम रीजन वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन नाइन आवर्स अ डे और मोर देन फोर्टी एट आवर्स अ डे नहीं फोर्टी एट आवर्स वीक ठीक है तो ही इज गोइंग टू बी एंटाइटल टू ओवर टाइम एट द रेट ऑफ टू टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस ठीक है डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा मतलब कोई भी एडल्ट वर्कर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में दो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है और चाइल्ड वर्कर के लिए तो डबल एम्प्लॉयमेंट टोटली एकदम प्रोहिबिटेड है हैवी पेनाल्टी भी है हमारे पास ठीक है अब आते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वुमेन एम्प्लॉयमेंट भाई कम काम कर सकती है वो सुबह छः बजे के पहले और शाम को तो सात बजे के बाद नहीं काम कर सकती हैं ठीक है थीके? और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं दस से पाँच के बीच में एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जनरल फैक्ट्रीज एक्ट में यही लिखा हुआ है अब आती है बात एडवांस पेमेंट की um, देखो एडवांस पेमेंट क्या होता है अगर आप um, चार दिन कम से कम चार दिन या फिर चाइल्ड के केस में कम से कम पाँच दिन की छुट्टी पे जा रहे हो तो यार एंटाइटल टू एडवांस पेमेंट अगर मान लीजिए आप दस दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपका जो भी एंटाइटलमेंट बनता है दस दिन की छुट्टी का जो भी आपका वो बनता है वो आपको एडवांस में दे दिया जाएगा बिकॉज अभी जब हम लीव के बारे में पढ़ेंगे चलो मैं थोड़ा सा बात में बताती हूँ पहले चाइल्ड वर्कर वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद जब हम लीव वगैरह पे आएंगे ना हाँ यहाँ पे लीव पे आएंगे तब ये पढ़ेगी ये थोड़ा सा ऑफ चला जाएगा तो ठीक है चाइल्ड वर्कर जिसने 14 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है वो काम नहीं कर सकता है जिसने 14 इयर्स कंप्लीट कर लिया है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑप्टेन करेगा इफ ही इज अ यंग पर्सन तो यंग पर्सन या उसका गार्जियन अप्लाई करेगा किसको अप्लाई करेगा सर्टिफाइंग सर्जन को अप्लाई करेगा अलोंग विद डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय मैनेजर की अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को मिल गया तो हम इसको अपॉइंट करेंगे अपनी फैक्ट्री में अब सर्टिफाइंग सर्जन क्या करता है एग्जामिन करता है उसको और ग्रांट करता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर अप टू फिफ्टींथ ईयर है तो फिटनेस सर्टिफिकेट देगा टू वर्क एज अ चाइल्ड अगर फिफ्टीन से ज्यादा है टू वर्क एज एन एडल्ट वॉट एवर द केस भी ठीक है दैट इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर ट्वेल्व मंथ इट हैज टू बी अगेन रिन्यूड अगर बीच में पता चला ही इज नो मोर फिट तो वो रिवोक भी किया जा सकता है ना ही विल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 4.5 पॉइंट फाइव आवर्स इन एनी डे ड्यूरिंग नाइट ठीक है फीमेल चाइल्ड के लिए नॉट बिटवीन एट ए एम एंड सेवन पी एम लिमिटेड टू टू शट्स नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन फाइव इन फाइव आवर्स ठीक है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे एक चाइल्ड वर्कर का रजिस्टर और एक एडल्ट वर्कर्स का रजिस्टर दोनों में आप क्या लिखोगे कि नेम ऑफ द चाइल्ड या नेम ऑफ द एडल्ट क्या है नेचर ऑफ वर्क वो क्या कर रहे हैं चाइल्ड के केस में नंबर ऑफ हिस सर्टिफिकेट इज एडिशनल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का उसका कौन सा नंबर है और ग्रुप हम दोनों में बात करते हैं अदर पर्टिकुलर्स दोनों में आ गई कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है किस रीली को बिलोंग करता है ठीक है देन कम्स योर लीव भाई अगर आपने 240 फोर्टी डेज या मोर इन अ फैक्ट्री काम किया है देन यू आर एडमिसेबल टू लीव एक्सक्लूसिव ऑफ योर हॉलीडे मतलब होली दिवाली इन सबकी छु छुट्टी मिलती है वो तो मिलेगी ही मिलेगी उसके ओवर एंड अबाव आपको छुट्टियां मिलेंगी जैसे हर कंपनी में हम काम करते हैं तो हमको सिक लीव वगैरह मिलती है ना तो ये एडिशनल लीव्स है कितनी मिलेगी हर बीस दिन पे एक हर पंद्रह दिन पे एक इन केस ऑफ अ चाइल्ड ठीक है इन केस ऑफ एडल्ट हर बीस दिन पे एक ठीक है अब क्या कर सकते हैं भाई हम Uh, अच्छा ये डीम्ड वर्किंग डेज होते हैं हमारे ले ऑफ मेटर्निटी लीव मैक्सिमम ट्वेल्व वीक्स लीव अर्न इन प्रायर ये सब डीम्ड वर्किंग डेज होते हैं अब मान लीजिए हमने छुट्टी ले ली तो बहुत अच्छी बात है ठीक है हम कैसे छुट्टी लेंगे कम से कम पंद्रह दिन पहले हम अप्लाई करते हैं मैनेजर को कि हमें आगे आने वाले पाँच दिन की या छः दिन की छुट्टी चाहिए और ऐसे केस में वी आर ऑल्सो एंटाइटल टू एडवांस पेमेंट ठीक है जितने भी दिन की बनती है वो एडवांस पेमेंट हमको मिलेगी अगर हम दो ही दिन की छुट्टी मिल रहे हैं देन वी आर नॉट एंटाइटल टू एडवांस पेमेंट कम से कम चार या कम से कम पांच दिन की अगर हम छुट्टी ले रहे हैं देन वी आर एंटाइटल टू एडवांस पेमेंट ठीक है तो अप्लाई तो कैसे करेंगे मैनेजर को अप्लाई किया लीव लेने के लिए 15 डेज पहले अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो कम से कम 30 डेज पहले क्योंकि वो रुकनी नहीं चाहिए भाई फैक्ट्री किस भी बंद हो जाए वो नहीं रुकनी चाहिए और इन जनरल आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है ये ठीक है तो हमने लीव ले ली बहुत अच्छी बात है अगर हम लीव नहीं ले पाए देन इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर ठीक है थर्टी डेज मैक्सिमम इन केस ऑफ एडल्ट एंड मैक्सिमम फोर्टी डेज इन केस ऑफ चाइल्ड इतना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अब मान लो अगर वेजेस इन ल्यू ऑफ द लीव तो भाई उसकी दस दिन की लीव थी अगर ड्यू तो अब वो लीव नहीं लेगा वो लीव के अगेंस्ट क्या ले लेगा ले? उसके पैसे ले लेगा ले? तो ही विल बी एंटाइटल और वो दे दिया जाएगा इन जनरल केसेस हमारे सेकंड वर्किंग डे पे दे दिया जाता है और अगर सुपर uh, एनुएशन या डेथ का केस होता है तो दो महीने के अंदर अंदर दे दिया जाता है ठीक है ओके चलो इसके बाद आती है हमारी पेनाल्टीज जो ऑब्वियसली आप रिवाइज कर लेना इन जनरल है ठीक है नाउ द रिवर्जन ऑफ पेमेंट ग्राचुडी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इज दिस ये एक्ट भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट ही है लेबर लॉ के अंदर ही आती है ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है ग्रेचुटी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक ग्रेटिट्यूस पेमेंट होती है ऑल दो ये आपके पास्ट सर्विसेज के अगेंस्ट ही दी जाती है बट दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट कंसीडरेशन टू योर पास्ट सर्विसेज क्योंकि पास्ट सर्विसेज आपने जो भी की है उसके लिए आपको सैलरी मिली है Right, but because you have been loyal to the company, because you have

हर एम्प्लॉयर पे जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में कवर्ड है जिस पे की ग्रेचुटी एक्ट लगती है कि भाई आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को कब पेमेंट करना पड़ेगा इसके बारे में हम सेक्शन नंबर फोर में पढ़ते हैं ऑल्दो इट स्टेट्स फोर केसेस हमारी जब सर्विसेस टर्मिनेट होती हैं तब एम्प्लॉयर हमें पे करता है ग्रेचुटी कितनी पे करता है एक्ट कंप्यूट करना बताएगी कब पे करता है एक्ट बताएगी राइट right. कब नहीं पे करते हैं ये भी एक्ट बताएगी क्या प्रोसीजर होता है पे करने का ये भी एक्ट बताएगी अगर नहीं पे किया तो हम क्या कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट मिलता है येस क्या और कोई रास्ता होता है रिकवरी का येस क्या कुछ डिस्प्यूट हो अगर तो हो सकता है अपील हो सकती है बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस एक्ट में जो हमें दिए हुए हैं जो ग्रेजुटी के बारे में सारे के सारे डाउट्स को डिस्पेल करती है ठीक है एक लमसम अमाउंट हमको मिलता है जब हमारी सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं पर हर किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड तो नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है एक एम्प्लॉई आया छः महीने रुका और चलता बना तो हम कैसे उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें और कैसे हम उसको ग्रेचुटी दें तो एक्ट ने भी बोला है कि हाँ कम से कम पाँच कंटिन्यूस इयर्स ऑफ सर्विस में अगर कोई रहा है अगर उसमें ब्रेक आ गया तो वापस से कंटिन्यूस ईयर्स की शुरुआत करनी पड़ेगी तो अगर पाँच साल कंटिन्यूस सर्विस में कोई रहा है वो अगर टर्मिनेट होता है उसकी अगर सर्विसेज टर्मिनेट होती हैं तो ही इज एंटाइटल टू रिसीव ग्रेचुटी अदरवाइज नो एप का मोटिव था ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट आई एंड इस एक्ट को हम पढ़ते हैं अलोंग विद पेमेंट ऑफ रूल्स ग्रेचुअटी मैम आपने बोला कि अगर मुझे ग्रेचुअटी चाहिए तो पहली बात आई शुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन जिसपे ग्रेचुअटी एक्ट लगती है एंड आई शुड हैव कंप्लीटेड सर्विसेज तभी मैं जी, मेरी सर्विसेज जब टर्मिनेट होंगी तो आई विल बी एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट ऑफ ग्रेचुअटी राइट तो सबसे पहली बात कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये ग्रेचुअटी एक्ट अप्लाई होती है इट इज एप्लीकेबल ऑन एम आर पी ऑफ एफ रिमेंबर माइंस, रेलवे कंपनी पोर्ट ऑयल फील्ड एंड फैक्ट्रीज राइट एंड प्लांटेशन ये तो है ही है इसके अलावा कोई भी और शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट विच हैज़ मोर देन इक्वल टू टेन पर्स एम्प्लॉय तो उनके ऊपर क्या हो जाती है ग्रेचुटी एक्ट हमारी एप्लीकेबल हो जाती है तो अगर अब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो तो आपको ग्रेचुटी पेम करना मैंडेट्री है और अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो तो यू विल रिसीव ग्रेचुटी ओके फाइन कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमने क्लास में तो बहुत डिटेल uh, में डिस्कस की है बट यहाँ पे नीडेड नहीं है आई गिव यू क्विक व्यू ऑफ दैट सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियसली वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके काम चल जाएगा तो अगर कहीं ना कहीं हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो छः स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी तो हमारे लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे ही माइंस हो ऑयल फील्ड हो पोर्ट्स हो रेलवेज हो सबके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल अदर केसेस जहाँ पे लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं कन्फाइंड विद इन द स्टेट तो वहाँ पे क्या हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाती है एम्प्लॉय कौन होता है से ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉय कौन नहीं होता है तो एवरन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बाकी आपको इस किसी भी तरीके का काम करिए आपको वेजेस मिल रहे हैं तो आप इम्प्लॉयी कहलाएंगे अगर आप सेंट्रल uh, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं जिनके अपने रूल्स हैं तो आप इम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे एक टीचर भी एम्प्लॉय कहलाता है देन कम्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कौन होता है अगर आप एक ऐसे स्टेब्लिशमेंट को बिलोंग कर रहे हो जो सी या एस कंट्रोल कर रहा है तो वहां पे सी या एस ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है फॉर सुपरवाइजिंग थिंग्स वो क्या होते हैं इम्प्लॉय कहलाएंगे अगर किसी को नहीं किया है तो जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है हेड ऑफ़ मिनिस्ट्री है वो एम्प्लॉय कहलाएंगे अगर लोकल अथॉरिटी गवर्न कर रही है तो लोकल अथॉरिटी ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो एम्प्लॉय कहलाएगा अदरवाइज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयड इन ऑल अदर केसेस कोई भी पर्सन जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है वो कहलाएगा इसके बाद आती है हमारी एक डेफिनेशन फैमिली um, की ऑल दो फैमिली का uh, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन दिस चैप्टर बट फिर भी जब हम नॉमिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है दैट फैमिली मेंबर हैज़ टू बी नॉमिनेटेड एंड देयर आफ्टर वी नीड टू नो दैट हु इज़ इंक्लूडेड इन फैमिली है ना किसको हम कर सकते हैं तो यहाँ पे फैमिली मतलब स्पाउस uh, और अगर आपने किसी और को अडोप्ट किया तो वो एक्सक्लूड हो जाता है राइट आपने मतलब किसी और को दे दिया है चाइल्ड तो वो एक्सक्लूड हो जाता है फाइन अब तीन छोटी छोटी डेफिनेशन और बट ये मैं आपको बताऊँगी रिटायरमेंट और सुपर लाइन में आपको बाद में बताऊँगी वेजेस अभी सिंपली मैं बता देती हूँ वेजेस का मतलब होता है बेसिक प्लस डी ए अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस बट बोनस कमीशन एच आर टाइम या कोई भी और अलाउंस हमारे वेजेस का पार्ट नहीं होता है तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है मतलब बेसिक वेजेस जो आपको मिलते हैं आप काम करते हो तब भी और जब आपकी पेड लीव होती है तब भी वो सब की सब इंक्लूडेड होती है सो बेसिक प्लस डी एस ठीक अब पहले मैं बात करूंगी सेक्शन नंबर फोर की सेक्शन नंबर फोर की काफी यहाँ पे आज ब्लू है पानी पानी हो गया है ओके okay. ग्रेचुटी कब देते हैं हम ग्रेचुटी हम देते हैं जब किसी की सर्विसेज टर्मिनेट होती है कंडीशन है कि कम से कम पाँच साल पूरे होने चाहिए तो जब टर्मिनेट होती है तो हम चेक करते हैं क्या इसने पाँच कंटिन्यूस इयर्स ऑफ सर्विस दिए हैं अगर दिए हैं देन ही इज एंटाइटल टू ग्रेजुटी uh, अब टर्मिनेशन कैसे हो सकता है टर्मिनेशन कुड भी ऑन रेजिग्नेशन हमने खुद रिजाइन किया इट कुड भी ऑन रिटायरमेंट इट कुड भी ऑन सुपर एनमिशन अब सुपर एनमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है मैम जैसे अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर लिखा हुआ था कि मैं चालीस साल की एज में रिटायर हो जाऊँगी और मैंने चालीस साल की एज अट्रेन कर ली देन दैट इज सुपर एनमिशन मैंने थर्टी फाइव ईयर्स में ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया दैट इज रिटायरमेंट ठीक है तो सुपर एनुएशन का मतलब होता है वो एज अटेन कर लेना जो रिटायरमेंट एज फिक्स की गई है रिटायरमेंट एज इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेश तो जो भी रिटायरमेंट एज फिक्स की गई है अगर आपने वो अटेन कर ली मतलब आपने सुपर एनुएशन अटेन कर लिया है अदरवाइज अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो देन दैट इज रिटायरमेंट रेजिग्नेशन आपको पता है डेथ और डिसेबलमेंट इट कुड बी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और डिजीज न एक बात समझो इन रीजन इन टर्मिनेशन के केसेस में जो लास्ट वाला है डेथ और डिसेबलमेंट मान लीजिए किसी ने अगर कंपनी ज्वाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया एक फैक्ट्री ज्वाइन की और फैक्ट्री में जाने के बाद दो साल बाद उसकी डेथ हो गई तो वो पाँच साल की कंटिन्यूस सर्विस कैसे पूरी करेगा और क्या उसको ग्रेचुटी नहीं मिलनी चाहिए मिलती है तो यहाँ पे एक एग्जैम्पन आता है एग्जामेशन क्या आता है कि कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ फाइव ईयर्स वो जरूरी नहीं होगा डेथ और डिसेबलमेंट के केस में बाकी जगह तो हमें चाहिए ही चाहिए ठीक है अब हम आते हैं और समझते हैं कि मैम कंटिन्यूस सर्विस का आखिर मतलब क्या होता है क्योंकि हमें पांच साल की कंटिन्यूस सर्विस चाहिए तो कंटिन्यूस सर्विस का आखिर मतलब क्या होता है कंटिन्यू सर्विस डिफाइन की गई है सेक्शन टू ए में और कंप्लीटेड सर्विस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होता है मतलब कंटिन्यूस सर्विस एक साल के लिए ठीक है सर्विस <coughs> पूरे टाइम आप काम कर रहे हो जैसे अगर मैं बोलूं कि आप दस घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिए तो आप दस घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हो पर हो सकता है यू हैव टू गो टू द वॉशरूम हो सकता है आपको पानी पीने के लिए उठना पड़े तो वो जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो परमिसेबल इंटरअप्शन होते हैं या परमिसेबल ब्रेक्स होते हैं कि चलो ये तो अलाउड है और क्या वॉशरूम जाने से आप कैसे किसी को रोक सकते हो है ना तो वो क्या है वो अलाउड है तो ऑब्वियसली जो कोई काम परमन कंटिन्यूसली कर रहा है वो भी बीमार तो पड़ सकता है उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है राइट right? उसको भी कुछ एबसेंस uh, हो सकती है फ्रॉम ड्यूटी ठीक है एंड ले ऑफ भी हो सकता है मतलब फैक्ट्री बंद है दो दिन लोगों ने काम नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया स्ट्राइक हो सकती है लॉकआउट हो सकता है सजेशन ऑफ वर्क हो सकता है जिसमें इम्प्लॉय की कोई गलती ही नहीं थी अब एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक्स हो गई तो बेचारा एम्प्लॉय कैसे काम करेगा राइट right? तो ऐसी सिचुएशंस को परमिसेबल इंटरप्शन हम बोलते हैं कि अगर आपने कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो बट आप दो दिन चार दिन बीमार हो गए चलेगा हम मानेंगे कि आप कंटिन्यूअसली ही काम कर रहे हो पर अगर मान लीजिए आप ये ऊपर वाली कंडीशन को पूरा नहीं करते हो तो मतलब हम कंटिन्यूस सर्विस नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको एक मौका दिया जाता है और हम मानते हैं कि कुछ सिचुएशन में हम डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस मान लेंगे मतलब इन परमिसेबल इंटरप्शन के अलावा भी आपके कोई इंटरप्शन हो गए पर पर पर। अगर हम पूरे के पूरे साल भर का आपका काम जोड़े तो कम से कम आपने वन डेज काम किया है कम से कम आपने वन डेज काम किया है अगर आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन फाइव डे वर्किंग है से फॉर एग्जाम्पल तो कम से कम आपने पूरे साल में वन डेज़ काम किया है अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक्स डेज वर्किंग है या सेवन डेज वर्किंग है तो कम से कम आपने टू फोर्टी डेज काम किया है तो हम मानेंगे आप डीम्ड कंटिन्यू सर्विस है चलो हम मान लेते हैं कि ये भी कंटिन्यू सर्विस है तो पहली बात या तो वो हो जाए दूसरी बात या तो ये हो जाए अगर हम सिक्स मंथ्स पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो exactly इसका आधा कर देते हैं पर ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए जो पूरे साल चलते हैं कुछ सीजनल स्टैब्लिशमेंट या सीजनल फैक्ट्रीज भी होती हैं कुछ सीजनल फैक्ट्रीज भी होती हैं और बहुत सारी सीजनल फैक्ट्रीज़ होती हैं देखो अक्सर ये होता है कि मान लीजिए टी का प्लांटेशन इसी समय हो रहा है तो उसकी फैक्ट्री हमें उसी समय ऑपरेटिव होती है मान लो सात महीने आठ महीने ही चलती है तो अब सात महीने आठ महीने ही चली तो हम वन डेज़ और टू डेज का तो कंप्लांस नहीं कर पाएंगे ना तो हम सीजनल स्टैब्लिशमेंट के, के केस में आते हैं और देखते हैं सीजनल स्टैब्लिशमेंट में हमें पहले ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चला कितने दिन मान लीजिए अगर वो हंड्रेड डेज चला तो हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब सेवेंटी फाइव डेज तो हम मानेंगे कि कम से कम अगर आपने सेवेंटी फाइव डेज भी काम किया है आउट ऑफ हंड्रेड तो हम डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस मान लेते हैं सो इट इज डीम्ड कि हाँ आप कंटिन्यूस सर्विस में थे और इसमें भी कुछ चीजें अलाउड होती हैं कि अगर लेड ऑफ है या फिर आपने छुट्टी ली है पूरी वेजेस के साथ मतलब पेड लीव है आपकी या फिर कोई टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया है या फिर आप मेटर्निटी लीव में हो मेटर्निटी लीव भी अलाउड है ट्वेंटी सिक्स वीक्स तक की तो ये क्या होता है अलाउड चीजें होती हैं तो कंटिन्यूस सर्विस आपने बिना ब्रेक के लिया ये ब्रेक्स अलाउड है डीम्ड कंटिन्यूअस में दो चीज़ें आ जाती हैं सीजनल फैक्ट्री में हम इतना देखते हैं और अदर बिजनेस में हम ये दो चीज़ें देखते हैं ठीक है अगर आपके वर्किंग डेज लेस देन सिक्स हैं तो वन नाइनटी एट अदर है तो टू फोर्टी राइट ठीक है तो, 240, तो ये मैंने आपको कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन बताई है अभी कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी स्टैब्लिशमेंट को कि ठीक है आपको ग्रेचुअटी एक्ट मानने की जरूरत नहीं है अगर उनको लगता है कि जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो वो ऑलरेडी फेवरेबल है और ज्यादा है तो ठीक है नौ छोटी छोटी कुछ 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 कुछ, -कुछ बातें हैं जो मैं बीच बीच में बताती चलूंगी जैसे आएंगी अदरवाइज एक पूरा जो प्रोसेस और पूरा फ्लो होता है ग्रेचुटी का वो आपको एट अ स्ट्रेच एक बार में समझना पड़ेगा राइट ऑल्दो दिस इज अ रिविजनरी क्लास तो डेफिनेटली हम इतने डिटेल में उसको नहीं पढ़ रहे हैं बट फिर भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ा बहुत भी चीजें पता है या नहीं भी पता है प्राइमर फेज ही पहली बार भी सुन रहे हो तो आपको सुन के समझ में आएगा उसके बाद आप खुद पढ़ के भी काम कर सकते हो ठीक है चल कभी भी हमारा कोई भी स्टेब्लिशमेंट खुला उसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल हुए तो एम्प्लॉयर क्या करता है फॉर्म ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होती है गवर्नमेंट उसको बनाती है ठीक है तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक नोटिस uh, देते हो एंड uh, uh, बताते हो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आप फॉर्म बी देते हो थर्टी डेज के अंदर अंदर और चेंज बताते हो अगर आप बंद करना चाहते हो अपना बिजनेस तो आप फॉर्म सी देते हो और बताते हो ठीक है और बंद करने से आपको सिक्सटी डेज पहले ही बताना होता है द इंटेंडेड क्लोजर, ठीक है तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इसके अलावा इंप्लॉयर शैल डिस्प्ले अ नोटिस नियर द मेन एंट्रेंस इन बोल्ड लेटर्स इन इंग्लिश एंड जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज होती है स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑफिसर विद डेजिग्नेशन ऑथराइज बाई इम्प्लॉय टू रिसीव ऑन बिहाफ हिज नोटिस सिर्फ ये एक डिस्प्ले की बात नहीं है हमारी डिस्प्ले की बात एक और आती है जो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें क्या दिया हुआ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी लगती है जैसे हम बैंक्स वगैरह में चाहते हैं तो बैंक्स में हमको मिलती है ना नोटिस एफ डी रेट्स लगे हैं ये लगाए है, वो लगाए तो ऐसे एक्ट मैंडेट करती है कि अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी लगी है तो उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप वो वहाँ पे ज़रूर लगा दीजिए मतलब आप ये बता दीजिए कि ग्रेचुटी में कम से कम पाँच साल काम करोगे कंटिन्यूसली तो आपको मिलेगी तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप अपने बोर्ड वहाँ पर लगा दीजिए ऑफिस में प्लेस ऑफ बिजनेस में ताकि हर इम्प्लॉय वो पढ़ सके और उसको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल सके ठीक है अब ग्रेचुअटी कितनी मिलती है हाउ डू यू कंप्यूट ग्रेचुटी तो हम कैसे कंप्यूट ग्रैचुटी करते हैं इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हम कब मानते हैं वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था वन ईयर ऑफ कंप्लीटेड कैसे होता है कंटिन्यूस हुआ फॉर वन ईयर तो उत, वो साल कंप्लीट हो गया है ना तो वैसे मानते हैं नाउ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देअर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स मतलब सिक्स मंथ से ज्यादा अगर रहेगा तो उसको हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मान लेते हैं मतलब उसको पूरा एक साल मान लेते हैं इम्प्लॉय क्या करेगा ग्रेचुअली देगा कैसे देगा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स हम मानते हैं ट्वेंटी सिक्स वर्किंग डेज होते हैं एक मंथ में अगर हम संडेज को हटा दें हर मंथ के चार संडे को हटा दें तो 26 वर्किंग डे होते हैं 26 में से 15 दिन के हिसाब से मतलब आपको पंद्रह दिन की सैलरी एक साल के लिए पंद्रह दिन की सैलरी एक साल के लिए इन टू नंबर ऑफ इयर्स जितना भी आपने काम किया है उतनी की ग्रेचुटी मिलती है ठीक है मतलब इफ आई से कि कोई एम्प्लॉय है जिसने फाइव इयर्स सेवन मंथ्स काम किया है तो सबसे पहले तो आप इसको सिक्स कंप्लीटेड इयर्स बना देंगे अब उसकी एक महीने की सैलरी उसकी एक महीने की सैलरी सपोजिडली थी फिफ्टीन uh, थाउजेंड तो अब हम कंप्यूट कैसे करेंगे फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टीन थाउजेंड इंटू सिक्स ये हमारा कैलकुलेशन होगा अमाउंट ऑफ ग्रैचुटी का ये हमारा कैलकुलेशन होगा हम इस तरीके से ग्रेचुटी को कैलकुलेट करेंगे अब ऑब्वियसली uh, हमने वेजस की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली थी तो वेजस ओवर टाइम वगैरह का ये सब इंक्लूडेड नहीं होता इंक्लूड नहीं होता है रेटेड जो एम्प्लॉय होता है उसकी वेजेस जो होती है फ़िक्स नहीं होती उसको नहीं पता हो सकता है इस महीने उसने पचास पीस बनाए तो उसकी इतनी हो गई हो सकता है किसी महीने उसने कम बनाए तो उसकी उतनी हुई राइट तो जितने पीसेस पे वो काम करता है उस हिसाब से उसको वेजेस मिल रही हैं ऐसी सिचुएशन में लास्ट थ्री मंथ्स की मतलब जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो रही है उसके पहले के तीन महीने के आपके एवरेज निकाल लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाती है सीजनल स्टैब्लिशमेंट के लिए पंद्रह की जगह आपको सात दिन की सैलरी मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैक्सिमम ग्रेचुटी बीस लाख होती है ट्वेंटी लाख के ऊपर ग्रेचुटी नहीं दी जा सकती है मैक्सिमम ग्रेचुटी दट कैन बी पेड टू एन एम्प्लॉय इज ट्वेंटी लैक्स यू कैन नॉट पे ग्रैचुटी बियॉन्ड दैट अमाउंट फाइन नौ कभी कभी ऐसे भी होता है कि पहले कोई पर्सन काम कर रहा था उसके बाद उसके हाथ में कुछ डैमेज हो गया तो वो डिसेबल हो गया पर वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है अब डिसेबल हो गया तो एम्प्लॉयर भी उतना विलिंगली जैसे पहले उसको दस हज़ार देता था तो हो सकता है अब उसको नौ हज़ार आठ हज़ार सात हज़ार दे उसकी वेजेस रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं पता है कि हम मुझे से आउटपुट भी कम मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी वेजेस होती हैं प्रोसीडिंग डिसेबलमेंट वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं ठीक है ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड हिस्स वेड सबसे अगर आपका कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप इससे बेटर ग्रेचुटी दे रहे हो तो आप दे सकते हो देखो ये मिनिमम चीजें है जो हमें इस एक्ट के तहत पता चलती है कुछ सिचुएशन में ग्रेचुटी फोर फीट हो सकती है मतलब आपको ग्रेचुअटी नहीं मिलेगी और सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में ग्रेचुअटी फोरफीट होती है अदरवाइज़ मिलती है जब सर्विसेस टर्मिनेट होती आपने आपने कोई कांड किया आपने कुछ कांड नहीं किया आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ डैमेज हुई प्रॉपर्टी तो ऐसी ग्रेचुअटी फोरफीट की जा सकती है द ग्रेचुअटी पेबल टू तो एन एम्प्लॉय मे बी होली और पार्शली फोरफीटेड अगर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई हैं आपके गलत व्यवहार की वजह से ठीक है या फिर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है विच इन मॉरल टर्पिट्यूड मॉरल रॉन्ग्स पे वो गलत है ठीक है तो इन सिचुएशन में आपकी ग्रेचुटी फोरफीट की जा सकती है इम्प्लॉयर uh, एक एम्प्लॉ को शो कॉज नोटिस देगा एक अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड और उसके बाद फाइनल डिसीजन पास हो जाएगा और इंटीमेट कर दिया जाएगा कुछ केस लॉज है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ ठीक है ग्रैचुटी को आप विदहोल्ड नहीं कर सकते हो एंड ऐसा नहीं होगा कि जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे पेनलाइज करने के लिए कोर्ट बोलेगा तुम्हारी ग्रेचुअटी नहीं नहीं आपको जो पेनल्टी पेनाल्टी लगानी आप लगाइए ग्रैचुटी के लिए आई एम एनटाइटल तो मैं रहूंगी एनटाइटल राइट और कभी भी अगर मेरी ग्रेचुअटी फोर फीट होने वाली है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर दिया जाएगा उसके बाद ही मेरी ग्रेचुअटी क्या की जाएगी फोर फीट की जाएगी उसके पहले नहीं की जा सकती है अब हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं ग्रेचुअटी पता है हमें किन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगेगी और किन एम्प्लॉयज़ को देनी है है ना तो जब भी ग्रेचुटी अमाउंट पेबल हुआ जैसे मान लीजिए अगर आज कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रही है उसकी सर्विसेज़ तो हमें पता है कि हाँ इसको ग्रेचुटी देनी है तो हमारा एज एन एम्प्लॉयर हमारी ड्यूटी बनती है कि जैसे ही टर्मिनेशन हो हम खुद कैलकुलेट कर लें कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी तुम्हारी पेबल है और एक फॉर्म होता है फॉर्म एल जिसमें हम अपना कंप्यूटेशन बता देते हैं वो एम्प्लॉय को भी दे देते हैं और वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी दे देते हैं ठीक है उसके बाद हमको पेमेंट करनी होती है ठीक है जब ड्यू हो जाती है तो ठीक है पेबल हो गई तो थर्टी डेज के अंदर अंदर हमको पे भी कर देनी होती है उसके बाद अदरवाइज इंटरेस्ट भी लगता है इट्स नॉट दिस इट इज़ एज सी में नोटिफाई ठीक है और अगर अगर हमें लगता है कि नहीं इसको ग्रेचुटी देने की जरूरत नहीं है तो हम एक फॉर्म एम इशू करते हैं और बता देते हैं कि क्यों तुमको ग्रेचुटी हम नहीं देंगे मतलब वाई योर ग्रेचुअटी इज़ नॉट एट ठीक है इसके अलावा एक काम और होता है ये तो इम्प्लॉयर अपने एंड से कर रहा है ना इम्प्लॉय क्या करता है इम्प्लॉय को भी पता है कि मुझे ग्रेचुटी मिलने वाली है तो इम्प्लॉय भी थर्टी डेज़ का समय लेता है और वो भी ये वो भी क्या करता है देखो मैं इस तरीके से थोड़ा सा बता देती हूँ जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई तो सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट था तो आपको पहले से पता था कि हाँ मेरी सर्विसेज क्या हो होने वाली है टर्मिनेट होने वाली है तो आप तीस दिन पहले ही एप्लीकेशन दे सकते हो और अदरवाइज आप जब आपकी ग्रेचुटी पेबल हो जाती है तो उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर ये आप फॉर्म फाइल करते हो फॉर्म आई ये आप इम्प्लॉयर को देते हो ठीक है इम्प्लॉयर अपने एंड से तो ग्रेचुअटी निकाल के आपको फॉर्म देगा ही देगा अगर नहीं भी हुआ तो भी इम्प्लॉयर का ये फ़र्ज़ बनता है कि पंद्रह दिन के अंदर अंदर अगर इम्प्लॉयर को लगता है कि क्लेम एडमिसिबल है तो वो फॉर्म एल दे दे और पेमेंट कर दे ठीक है थर्टी डे थर्टी डेज के अंदर अंदर और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फॉर्म एम दे और उसमें बताए कि क्यों uh, आपकी ग्रेच्य एडमिसिबल नहीं है तो यहां पे दो चीजें रिलेट होती हैं, एक तो ये पूरा का पूरा पार्ट और दूसरा दूसरा ये, ठीक है, इंप्लॉई जो एलिजिबल होता है वो भी एप्लीकेशन देता है नॉमिनी एप्लीकेशन देता है फॉर्म जे में लीगल है फॉर्म के में आप किस तरीके से एप्लीकेशन दे सकती है आरपीएडी या फिर कोई भी पर्सनल सर्विस आप लेट एप्लीकेशन भी दे सकते हो अगर सफिशियंट कॉज है तो डीले को माना जाएगा तो ये एप्लीकेशन होती है ऑफ फॉर ग्रेजुटी बाय एम्प्लॉय जब ग्रेजुटी पेबल हो जाती है और जब ग्रेजुटी पेबल हो जाती है तो ये एम्प्लॉयर का फर्ज है जो उसको निभाना होता है अब कुछ केसेस में डिस्प्यूट आ जाता है कि भाई वो है ग्रैचुटी अलग बता रहे हैं हम अलग बता रहे हैं वो बोल रहे हैं एडमिसिबल नहीं है हम बोल रहे हैं एडमिसिबल है तो ऐसी सिचुएशन में इम्प्लॉयर को क्या करना होता है ग्रेचुटी का अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ डिपॉजिट कर देना होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करती है पार्टीज़ को मौका देती है सबकी बात सुनती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ग्रैचुटी देनी है अगर उतनी ही निकली तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास तो है ही वो पे कर देंगे और अगर उससे ज्यादा निकली तो डायरेक्शन देते हैं कि आप पे करिए ठीक है तो ये क्लियर है ये क्लियर है अब ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वैसे तो कि जब इम्प्लॉय एप्लीकेशन देता है तो इम्प्लॉयर क्या करता है तो फॉर्म एल फॉर्म एन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एंड मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस ये सब 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 चीजें सेम है ठीक है। ग्रेचुअटी कैसे दी जाती है ग्रेचुटी इज गोइंग टू बी पेड इन कैश और डिमांड ड्राफ्ट और चेक अगर ग्रेचुअटी हजार रुपए या उससे कम होती है तो आप पोस्टल मनी ऑर्डर से भी दे सकते हैं मनी ऑर्डर आप सब लोगों को पता होगा कि क्या होता है जब आप पेमेंट कर देंगे उसकी पेमेंट डिटेल्स आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बता देंगे अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जिसको ग्रेचुटी रिसीव करनी थी उसकी डेथ हो गई तो उसका जो नॉमिनी है वो माइनर है तो उसको तो हम पैसे देंगे नहीं तो उसके पैसे क्या किए जाते हैं इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा इन टर्म डिपॉजिट विद एस या फिर सब्सिडियरीज और एनी नेशनलाइज बैंक ठीक है अब ये रूल टेन नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ है मैं थोड़ी देर बाद इसको आपसे बात करूंगी नॉमिनेशन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे पावर्स ऑफ नॉमिनेशन के बारे में एक साथ बात करेंगे ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जब भी वो ये डिस्प्यूट डिसाइड कर रहे हैं तो उनको कुछ जजमेंटल पावर्स चाहिए ना तभी वो डिसाइड कर पाएंगे तो क्या उनको जजमेंटल पावर्स मिलती है दे गेट द सेम पावर एज ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर ठीक है जब कोर्ट एक केस ट्रायल करता है तो कोर्ट किसी को भी बुला सकता है उसको एग्जामिन कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है एफिडेविट मांग सकता है विटनेसेस बुला सकता है राइट right? उनके उसको रिकॉर्ड कर सकता है तो ये सारे राइट्स एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास भी मिलते हैं मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया पर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप 60 डेज के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की हो उसके पास जा सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या जो भी हमारी अथॉरिटी है वो आपको एक्सटेंशन भी दे सकती है अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर नहीं जा पाए तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिल सकता है और पार्टीज की बात सुन के वो बोल सकते हैं नहीं ये ऑर्डर ठीक है वो रिवर्स कर सकते हैं उसमें कुछ मोडिफिकेशन कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था उसके बारे में Now, अगर नैजुटी जो डिसाइड हुई वो एम्प्लॉयर समय पे पे नहीं करता है और तो आप क्या कर सकते हो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन मिलते ही एक कलेक्टर कोश सर्टिफिकेट इशू कर देगा जैसे हम लैंड रेवेन्यू के एरियाज़ को कलेक्ट करते हैं जैसे एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है भाई वो जाता है फिर तो वो रिकवर कर ही के ही मानता है तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और फिर वैसे ही रिकवरी होगी तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेचुटी से बच सकते हो अगर ग्रेचुटी का अमाउंट डिटरमाइन हुआ है तो यू आर बाउंड टू पे दैट ग्रेचुटी अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट के साथ करना होता है इंटरेस्ट क्या होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं ठीक है नाउ नॉमिनेशन नॉमिनेशन तो ऑब्वियसली जरूरी है क्योंकि ग्रेचुअटी किसको मिलेगी अगर डेथ हो जाएगी अगर इंप्लॉय जिंदा है तो इंप्लॉय खुद रिसीव करेगा ग्रेचुअटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बट अगर इंप्लॉय जिंदा नहीं है तो ये ग्रेचुअटी किसको मिलेगी तो रेलिवेंट फॉर्म होता है इसका एफ जो भी इंप्लॉय कम से कम एक साल पूरा कर लेता है वो नॉमिनेशन देता है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको एक ही नॉमिनी बताना है वो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बता सकता है अगर आपकी फ़ैमिली है तो आपको फैमिली मेंबर को ही नॉमिनी बनाना है अदरवाइज़ वो नॉमिनेशन वॉइड होगा अगर आपकी फ़ैमिली नहीं है तो आप किसी और को भी बना सकते हो बट जब आप फैमिली एक्वायर कर लोगे तो आपको वो नॉमिनेशन चेंज करना पड़ेगा ठीक है नॉमिनेशन को मोडिफाई किया जा सकता है फॉर्म एच के थ्रू अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉमिनी की ही डेथ पहले हो गई तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्रेश नॉमिनेशन कर सकते हो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम नॉमिनेशन आप भेज दोगे एम्प्लॉयर को कैसे भेजोगे पर्सनल सर्विस सॉरी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब जहां पे हमें एक्नॉलेजमेंट मिले कि हाँ हमने भेजा है फाइन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट फॉर वन ईयर और मोर तो विदिन 90 डेज आपको यह काम करना होता है एंड uh, उसके बाद भी नॉमिनेशन आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है विद रीजनेबल ग्राउंड एम्प्लॉयर जो है अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा एंड नॉमिनेशन ऑफ फ्रेश नॉमिनेशन या फिर मोडिफिकेशन इंप्लॉय साइन करेगा अगर इंप्लॉय इलिटरेट है तो फिर अंगूठा लगा देगा राइट right? एंड नॉमिनेशन की इफ़ेक्टिव डेट वो होती है जब इम्प्लॉयर को ये नॉमिनेशन रिसीव किया जाता है अब मान लीजिए इम्प्लॉयी ने नॉमिनेशन दिया पर इम्प्लॉयर ने क्या किया रिफ़्यूज़ कर दिया कि मैं आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करता या फिर एम्प्लॉय ने आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर ग्रैचुटी को रिफ्यूज़ कर दिया या फिर आपको बोल दिया कि नहीं आप ग्रैचुटी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो या बोला कि हम तो कम अमाउंट देंगे या आपको कोई नोटिस इशू नहीं की तो ऐसी सिचुएशन में विद इन नाइन्टी डेज़ आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो उनके डायरेक्शन्स को ऑप्टेन करने के लिए यह टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर उनको लगता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि सफिशियंट या रीज़नेबल कॉज uh, है फॉर द ओके अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको डायरेक्शन्स देते हैं इन डायरेक्शन से अगर आप एग्रीव्ड होते हो तो आप अपील कर सकते हो वो भी हमें पता है ये डायरेक्शनस की अगर हम बात करें तो अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो एक्स पार्टी डिसीशंस भी हो सकता है आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी दो चार बार बुला सकती है आपको समन्स इशू कर सकती है और ट्रेड यूनियंस के केस में उनको नोटिस इशू किया जा सकता है आपको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप पे करो ये पावर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी और उसके बाद मैंने आपको अपील भी बता दिया राइट right. इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नाइन में कुछ कि अगर आपने जान के गलत स्टेटमेंट दी बिकॉज आप पेमेंट नहीं करना चाहते थे तो आपके ऊपर इमेंट भी है और फाइन भी है अगर आपने और प्रोविजन के साथ कंप्लाई नहीं किया तो इम्प्रेजनमेंट और फाइन है अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नहीं की तो इम्प्रजान और फाइन um, है राइट right. नाउ कुछ केसेस में एम्प्लॉयर एग्जेप्ट हो जाता है फ्रॉम द लाइबिलिटी कब ऐसा होता है कब ऐसा होता है देखो एम्प्लॉयर अगर ये प्रूव कर दे कि उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज किया था ठीक है मतलब ऐसा नहीं है उसको जेन्युनली नहीं लगता था कि ये केस है तो ही एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड दैट सेड अदर पर्सन कमिटेड ऑफेंस इन क्वेश्चन विदाउट नॉलेज मतलब जैसे मैं इम्प्लॉयर हूँ तो मैंने आपने बड़े बड़े केसेस भी देखे होंगे कॉरपोरेट केसेस उसमें क्या होता है अल्टीमेटली कोई और को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग दे देते हैं जैसे डायरेक्टर है कंपनी का ओनर है उसने किसी इंप्लॉय को बोल दिया कि नहीं इसकी गलती थी तो वो बच गया उसने बोला देखो मैंने तो सब चीज़ किया था मैंने तो इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि इस दिन पेमेंट रिलीज़ हो जानी चाहिए इसने नहीं की तो इसकी रिस्पॉन्सिबिली है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही चीज़ अगर आप प्रूव कर देते हो कि नहीं मैंने तो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज किया था ये जो सेट पर्सन है ना इसने ऐसा किया और ये मेरी नॉलेज के अगेंस्ट uh, था तो ऐसी सिचुएशन में आप बच भी जाते हो कोई भी कोर्ट ऐसे ही कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऐसे ही नहीं लेगा मतलब आप जाओगे और आप बोलोगे कि नहीं ये कंपनी ने ग्रेचुटी नहीं दी है तो ऐसा नहीं है कि आपकी केस को कंप्लेन को रजिस्टर कर लेंगे और पकड़ के चल जाएंगे पुलिस लेके चल जाएगी नहीं इसकी एक प्रोसीजर है आपको उसी को फॉलो करने होंगे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी जब कंप्लेन करती है तभी इसका केस रजिस्टर होता है तभी प्रोसिक्यूशन होता है ठीक है अदरवाइज़ नहीं होगा जो ग्रेचुअटी पेबल होती है नॉट टू अटैचमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको अटैच कर अटैच करते हैं ना हम प्रॉपर्टीज को जैसे कोई मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी हम अटैच कर लेते हैं बैंक ने लोन लिया है बैंक ने वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली मतलब बैंक से मैंने लोन लिया है मेरा लैंड बैंक के पास है बैंक ने उस लैंड को अटैच कर लिया मतलब अब मैंने मैं उसके हक

टाइप के जजमेंट्स हैं बट क्योंकि हैं तो मैंने आपको पढ़ाई भी है मैंने आपको बताया भी है क्यों है कैसे है राइट बट फिर भी फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुअटी एक कुछ रूल्स हैं जो हमारे कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स में थे जिनको जो ये बोलते थे कि आपकी ग्रेचुअटी फॉर फील प्रोवाइडेड फॉर फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुअटी वर नॉट स्टैच्यूटरी रूल्स एंड द ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट मस्ट प्रिवेल ओवर द रूल्स ग्रेचुटी एक्ट और ग्रेचुअटी रूल्स स्पेसिफिकली ग्रेचुअटी के लिए बनाए गए हैं आपके कुछ कोल वाले रूल्स हैं पर वो स्पेसिफिकली ग्रेचुअटी के लिए नहीं है आपके कोल माइंस पे ग्रेचुअटी लगती है तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे ये ओवर इफेक्ट इनका होता है पर एक ऑपोजिट केस लॉ क्या आया वो ये आया कि हमारे पास अगर एक स्पेशल इनैक्टमेंट है मतलब कोल से रिस्पेक्ट में कोल वाला इनैक्टमेंट है वैसे ही यहाँ पे एक स्पेशल इनैक्टमेंट है और अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगी तो अगर सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉई हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर दिस ही इज नॉट एंटाइटल टू ग्रेजुअली ठीक है और ग्रेचुअटी एक्ट में ये बोलता है कि आपको ग्रेचुअटी तभी नहीं मिलेगी अगर मतलब फोर फीचर ऑफ ग्रेचुअटी में क्या लिखा है कि अगर ये ग्राउंड्स मीट करेंगे तभी ग्रेचुअटी नहीं मिलेगी बाकी सब केसेस में आपको ग्रेचुअटी देनी है बट इनके इंटरनल अपने कुछ लॉज थे जहां पे बोला गया था कि अगर ऐसा होगा तो ग्रेचुअटी हम नहीं देंगे तो ये लॉ प्रिवेल करेगा तो ये दो डिफरेंट जजमेंट्स है भाई दो डिफरेंट कोर्ट्स हैं दो डिफरेंट जजेस बैठे हैं तो अलग अलग जजमेंट्स हो सकते हैं बट ये सिर्फ जजमेंट्स हैं ठीक है एक्ट में ये बात नहीं लिखी हुई है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फॉर्म यू होता है जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट एंड रूल्स अपने स्टैब्लिशमेंट के बाहर क्या करते हो डिस्प्ले करते हो राइट right? तो बहुत क्विकली मैंने आपको पूरी चीजें समराइज करके ग्रेचुअटी का जिस्ट बताया जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है दिस इज नॉट अ कम्प्लीट ग्रेचुटी एक्ट दैट वी हैव रेड बहुत कुछ और भी है बट हमारे एग्जाम के लिए बस इतना ही रेलिवेंट है इसके अलावा जो आपके मटेरियल में क्वेश्चंस वगैरह हैं तो ये सब आपको जरूर करने हैं जरूर देखने हैं नाउ द रिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसेलिनियस प्रोविजन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू क्या है ये प्रोविडेंट फंड बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्ट में हमारी तीन स्कीम्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेट होती हैं बट ब्रॉडली अगर हम समझें तो हमारा प्रोविडेंट फंड क्या है इट इज़ नथिंग बट अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लॉयज तो जो इम्प्लॉयज हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कवर होते हैं जिस पे ये एक्ट एप्लीकेबल होती है उनके लिए ये एक वेलफेयर स्कीम uh, है एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो मैंडेट किया गया है कि आपको देना ही देना है होता क्या है इसमें इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पर ये पैसा कहाँ जाता है एम्प्लॉयर के पास इम्प्लॉयर उसको जमा कराता है राइट right? तो इम्प्लॉयर क्या करता है इम्प्लॉय को जो सैलरी देनी होती है उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेता है अपना पार्ट इंक्लूड करता है और इस पार्ट को कंबाइन करके इस मनी को कंबाइन करके क्या करता है डिपॉजिट करा देता है कहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं जहां पे बताया गया है राइट right? एम्प्लॉय का जो पार्ट होता है उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है बट इम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से इसका अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है राइट न वॉट एवर कंट्रीब्यूटेड वो एक पूल ऑफ फंड इंटरेस्ट भी मिलता है और आपका वो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है एक्यूमुलेट हो जाता है उसका इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाता है और जब आप रिटायर करते हो तो वो पैसा आपको मिल जाता है राइट मैम क्या हर कंपनी पे हर किसी पे ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है ये अप्लाई होता है और हर किसी को इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है द आंसर इज नो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री जो शेड्यूल वन के इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफाइड हो मैंने आपको बताया कि शेड्यूल वन में देर इज़ एब्सोल्यूटली नो इंडस्ट्री जो स्पेसिफाइड नहीं तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज हमारी कवर हो जाती है तो उस इंडस्ट्रीज के तहत अगर आपकी फैक्ट्री है जिसमें ट्वेंटी और मोर पर्सन्स मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी पर्सनस आर एम्प्लॉयड तो आप इस एक्ट के तहत कवर हो जाते हो और आपको अपने एम्प्लॉयज़ का पीएफ काटना पड़ता है कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है समय से डिपॉजिट कराना पड़ता है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर स्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो विच आर एम्प्लॉइंग ट्वेंटी और मोर पर्सन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और अगर आपके स्टेब्लिशमेंट ट्वेंटी से कम है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके एप्लीकेबिलिटी बना सकती है ठीक है ये एक्ट क्या है सोशल सिक्योरिटी एंड टाइमली मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है क्योंकि फ्यूचर में जब रिटायर करते हैं जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट वी आर नो मोर इन पोजीशन टू वर्क तब हमारी ये

एंड एक इडली होता है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जहाँ पे इंश्योरेंस कराया जाता है और अगर फैमिली अगर सडन डेथ हो गई एम्प्लॉय की तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल जाता है तो यहाँ पे ये रिलीफ के लिए होता है एक पेंशन एक रिटायरमेंट में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाए और सडन डेथ राइट तो ये तीन स्कीम्स तीनों सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए हैं आपकी ओल्ड एज को सपोर्ट करने के लिए हैं एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड से कम होती है फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ इट um, if the employees are drawing a salary of not exceeding fifteen thousand per month, तो उनके ऊपर ये applicable होती है. However, इसमें voluntary चीजें भी आ जाती हैं, तो voluntary contribution लोग कर सकते हैं. Act extends to whole of India. जब हम salary बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? Wages plus dearness allowance plus retaining allowance and plus फूड वैल्यू कंसेशन ठीक है तो फूड वैल्यू जो कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन होता है वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है क्योंकि कई लोगों को खाना मिलता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच यू मस्ट रिमेंबर ठीक है तो इतनी बात क्लियर है चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं Um, इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है विद द पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैंने आपको क्लास में डिफरेंस वगैरह बताया हुआ है कि कौन से हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ये हमारा इम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर द एक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज़ ओपन फॉर ऑल वेदर इम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय और उसमें आप वॉलन्टरिलली कंट्रीब्यूट करते हो ठीक है अब ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है ये तो मैंने आपको बता दिया ये भी मैंने आपको बता दिया एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो जाती है तो भले ही आपके एम्प्लॉयज ट्वेंटी से कम हो जाए तो भी आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल रहती है सो वंस द एक्ट इज एप्लीकेबल इट कंटिन्यूज रिमेन एप्लीकेबल फॉर एवर कुछ छोटे छोटे से जजमेंट्स थे कि एक स्कूल जिसमें ट्वेंटी से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वो भी इसमें आ जाता है Uh, कुछ अगर होमवर्कर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के थ्रू इंगेज हो रहे हैं वो भी आ जाते हैं एंड वेयर इन द स्टैब्लिशमेंट कभी भी उनकी स्ट्रेंथ ट्वेंटी के बिलो होती है तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि एक्ट के परव्यू के बाहर हो गया है ठीक है सेक्शन सिक्सटीन हमें बताता है कि कुछ सिचुएशंस में एक्ट नहीं लगती है कुछ सिचुएशन मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें पचास से कम लोग हैं कोई स्टैब्लिशमेंट जो सरकार का है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऐसा स्टैब्लिशमेंट जो स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया हुआ है अगर इनके जो बेनिफिट्स हैं वो अम, इनके अलग रूल्स बने हुए हैं अलग बेनिफिट्स हैं मतलब इन्होंने अपनी अलग पी स्कीम बनाई हुई है तो वो उसी के थ्रू गवर्न होंगे ठीक है छोटी छोटी सी बातें हैं डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई हैं यहाँ पे सिर्फ ब्रश अप कर रहे हैं हम उसको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक डेफिनेशन एज वी रीड इन द ग्रेचुटी एक्ट एज वेल कि रेलवे कंपनी पोर्ट माइन ऑयल फील्ड कंट्रोल इंडस्ट्री इन सबके लिए क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट जिसकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मैंने आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया था इफ़ यू नो एंड फॉर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट हैव नॉट सीन दैट चार्ट भैया आप वेबसाइट पर जाके पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख सकते हो कि कौन कौन अपॉइंटेड है इफ़ यू टू बेसिक वेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या इंक्लूड होती है कंट्रीब्यूशन नथिंग फंड फंड किस fund में जाता है प्रोविडेंट फंड जो स्कीम के तहत बना है उसी फंड में पैसे जाते हैं इंप्लॉयर कौन होता है अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर ऑक्यूपायर कौन होता है फैक्ट्री क्या होती है देन इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच मोनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर ऑक्युपायर uh, की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी मैनेजर अगर है तो अगर कोई और स्टैब्लिशमेंट है तो जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल है ऑफ अफेयर्स उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय हम किस को बोलेंगे ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट होता है किसी भी तरीके का आपने काम किया हो मैनुअल किया हो स्किल्ड किया हो अदरवाइज कैसा भी काम किया हो और आपको मिल रहे हो भले ही आपको थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वेजेस मिल रहे हो या फिर आप एप्रेंटाइज़ हो एप्रेंटाइज़ में कंफ्यूजन सी बात लिखी हुई है नॉट बींग एन एप्रेंटाइज़ एंगेज अंडर दिटाइज एक्ट देखो कई बार ऐसा होता है दैट जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम उसको डेजिग्नेशन ट्रेनी का देते हैं जैसे होता है ना टेम्प्ररी एम्प्लॉयज़ कि हाँ आपको छः महीने के लिए हम ऐसे रखेंगे एज अ ट्रेनी उसके बाद हम प्रमोट करेंगे तो वो अप्रेंटाइज ही हुआ पर वो कवर होगा पर जो स्पेसिफिकली आते हैं जैसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए आए हैं दो महीने के लिए ही आए हैं तो उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे उनको इंक्लूड नहीं करेंगे उनका हम ईपीएफ अकाउंट खुलवा के उनका ईपीएफ डिपॉजिट नहीं करेंगे सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड राइट फैक्ट्री क्या होती है फैक्ट्री मतलब प्रमाइस इंक्लूडिंग द प्रोसिंग्स जहाँ पे भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री हम उसी को बोलते हैं जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है अब हम बात करते हैं एक एक करके सारी स्कीम्स की सबसे पहले अगर हम बात करें ई स्कीम की तो ई में कंट्रीब्यूशन होता है ट्वेल्व और टेन के हिसाब से ठीक है ट्वेल्व परसेंट और टेन परसेंट कुछ केसेस में ट्वेल्व परसेंट ऑफ बेसिक प्लस डी ए प्लस रिटेनिंग अलाउंस प्लस फूड अलाउंस है ना उसका आप पूरा जोड़िए उसका ट्वेल्व परसेंट या उसका टेन परसेंट जो आता है ठीक है वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा विच इज़ गोइंग टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूशन पे करते हैं हालांकि इम्प्लॉय चाहे तो वॉलेंट्रिल क्योंकि उसी का फंड है जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी पे कर सकते हैं बट क्योंकि एक अपर लिमिट है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ की कि आपकी सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड तक की है तो आप सी बी एक्ट के बेनिफिट के अंदर आते हो अगर इससे ऊपर है तो वॉलेंटरली आप अपना खोल के आप अपना काम कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू बट फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा उतना ही रहता है ठीक है वॉलेंटरली आप ज़्यादा कर सकते हो तो यू हैव टू कीप दिस मतलब मैंने सब चीज़ें बताई है अलग 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 अलग, अलग यहाँ पे सुन के आपको शायद लग रहा हो अभी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन uh, हो रहा है बट उसके लिए ऑब्वियसली चार्ट वाट सब चीज़ें पूरी चीजें हैं नौ अगर आपकी सैलरी फिफ्टीन <coughs> मंथ से ज्यादा है तो आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फिफ्टीन थाउजेंड अगर उससे कम है तो कंपलसरी है मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका इतना होता ही होता है ठीक है ट्वेल्व परसेंट और टेन परसेंट का क्या लोचा है मैम क्या बात है सी although this is something which is not included in your study material as i told you earlier also but is pe study material mein question zarur pucha gaya hai isliye maine isko incorporate kar diya tha apne material mein aur aapko bata rahi hu 10% ka rate jo hai wo applicable hai agar koi establishment जिसमें 20 से कम लोग हैं और उनको notify कर दिया गया है कि आपके ऊपर applicable होता है तो उसमें 10 परसेंट का ही रेट लगेगा कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है तो वो खुद ही बेचारी बीमार है फाइनेंशियली उसके पास पैसे नहीं है तो उसमें दस परसेंट का ही रेट लगेगा कोई स्टैब्लिशमेंट जिसमें बहुत सारे लॉसेज हैं मतलब उसके इतने लॉसेज हैं कि उसकी नेटवर्क के बराबर उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं और या फिर जूट बीड़ी ब्रेक कार गुआर गम फैक्ट्रीज बेसिकली इसको बहुत ज्यादा एंकरेज नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट इसलिए इसमें क्या होता है टेन परसेंट का ही पी एफ लगेगा तो अगर आप इस इंडस्ट्री मतलब एक लेबर के नज़रिए से सोचो उनको ऑप्शन मिलेगा ना अगर जूट में जाएंगे तो फिर दस परसेंट ही है यहाँ पे जाएंगे तो तो आप समझो ठीक है तो यहाँ पे दस परसेंट का ही रेट लगता है ठीक है दस परसेंट का ही रेट लगता है राइट अदर रीजनस भी हैं अब इतना ज्यादा वो नहीं सोचिएगा एंड um, बाकी्टब्लिशमेंट्स में हमारे क्या होता है ट्वेल्व परसेंट का रेट लगता है फाइन तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है इम्प्लॉयज़ अगर चाहे तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं जो भी कंट्रीब्यूशन अगर पैसे में आता है तो उसको आप राउंड ऑफ कर देते हो टू रुपी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी इम्प्लॉयर पे करता है क्योंकि देखो uh, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है आपके बिहाफ पे ये अकाउंट मतलब आपको अपने सारे इंप्लॉयिज का पैसा इकट्ठा करके आपने अकाउंट खुलवाया आपको वो सब करना चाहिए मतलब कौन गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी उनको भी तो पैसे चाहिए तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए वो क्या करते हैं चार्जेस लेते हैं और कम से कम पांच सौ रुपए आपको देने ही देने होते हैं अगर कोई कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है तो भी कम से कम सेवेंटी फाइव रुपीज तो आपको देना ही देना है ठीक है नौ आपने जो भी पी एफ अकाउंट में डिपॉजिट कराया अच्छा सबसे पहले एक चीज मैं और बता देती हूं मान लीजिए अगर ट्वेल्व परसेंट हमने कंट्रीब्यूट किया है ट्वेल्व परसेंट हमने कंट्रीब्यूट किया है तो इसमें से अलग अलग जगह पैसे चले जाते हैं अलग अलग जगह पैसे कैसे जाते हैं Um, जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ आउट ऑफ ट्वेल्व परसेंट अगर मैं बोलूं, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्वेल्व परसेंट ईच राइट एम्प्लॉय का जो पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है पूरा पूरा ई में चला जाता है बट जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो दो जगह जाता है दो जगह मतलब 8.33 पॉइंट परसेंट ई में जाता है और 3.67 पॉइंट परसेंट कहाँ जाता है ये आपका जाता है ई में ई में इसके अलावा एम्प्लॉय को और क्या पे करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और इडली ई एल आई जो ओवर एंड अबव होता है ठीक है तो इडली में भी आपको कंट्रीब्यूट करना होता है विच इज़ ओवर एंड अबव उसमें इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता है ठीक है तो इस तरीके से स्कीम्स में क्या होता है पैसे डिवाइड होते हैं नाउ वॉट एवर इज़ एक्यूमुलेटेड इन पी एफ ई पी एफ में जो भी एक्यूमुलेट हुआ है वो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो ये पैसा आपको कब मिलता है जब आप रिटायर करते हो ठीक है क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है हाउएवर इसमें विदड्रॉल और एडवांस दोनों अलाउड है एडवांस का आइडियल मीनिंग होता है लिया और वापस किया बट यहाँ पे क्या है नॉन रिफंडेबल एडवांसेस भी हैं जो अलाउड है एंड ऑफकोर्स विड्रॉल्स तो है अगर आपको घर बनाना है रीपेमेंट ऑफ लोन इन सम स्पेशल केसेस आप रिटायर होने वाले उसके जस्ट एक साल पहले आपको विड्रॉ करना है तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ बैलेंस वगैरह हम विड्रॉ कर सकते हैं बीमारी हो बच्चों की शादी हो एंड पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन हो मतलब हायर uh, एजुकेशन हो आपकी कुछ एबनॉर्मल केसेस हो हो गए, और अर्थक्वेक आ गया सो सब केसेस में क्या है नॉन रिफंडेबल आपको मिल जाते हैं एडवांसेस पे, ठीक है मतलब वापस करने की ज़रूरत नहीं है वापस इस फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये अलाउड है इवन बिफोर रिटायरमेंट इसके बाद अगली स्कीम आती है हमारी इम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की सेक्शन सिक्स ए इम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हमारे को पेंशन कब मिल सकता है सुपर एडमिशन मतलब हमने अगर बोला था हम सिक्सटी इयर्स तक काम करेंगे और हमने काम किया उसके बाद हम रिटायर हुए तो हमें पेंशन मिल सकता है हम पहले रिटायर हो गए तो भी हमें पेंशन मिल सकता है किसी की डेथ हो गई तो विडो पेंशन मिल सकता है या विडोअर पेंशन मिल सकता है चिल्ड्रन पेंशन मिल सकता है तो ये सारी तरीके की पेंशंस को इनकॉर्पोरेट uh, करता है कैसे इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूट करता है उसका 8.33 परसेंट डाइवर्ट करता है टू ईपीएस और इसमें इम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है पेंशन फंड स्कीम जो आपकी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का मेंशन होता है एंड इट मे प्रोवाइड फॉर ऑल दीज थिंग्स कि कौन से एम्प्लॉयज़ पे पेंशन स्कीम लगेगी कितना पोर्शन आपका पेंशन फंड में जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की कब आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कैसे ये रेगुलेट होगा अगर कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव होगा तो क्या होगा कैसे इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कैसे इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा um, कैसे किस फॉर्म में लोग अपने बारे में बताएंगे सो द फॉर्म आल्सो हैज टू बी प्रस्क्राइब राइट फॉर्म्स रजिस्टर्स और कैसे मेंटेन होंगे द uh, स्केल मतलब कैसे इसको हम लोग बढ़ाएं कैसे क्या करें कि बेनिफिट्स हमें मिले और मैनर इन विच exempted establishments अगर exempted स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो क्या हो सकता है कैसे हो सकता है कैसे डिस्पर्स किया जाएगा कैसे इसके एक्सपेंसिस को मैनेज किया जाएगा और कोई भी मैटर तो गवर्नमेंट क्या करेगी स्कीम में ये सारी चीज़ें बता देगी इसके बाद लास्टली हमारी आती है इडली एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम छोटी सी बात है आ, कुछ खास इसमें है ही नहीं इस स्कीम में हमारी इस स्कीम में भी इम्प्लॉयी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है एम्प्लॉय करता है इडली एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अब हट चुके हैं तो इम्प्लॉयर को इसको एडमिनिस्टर करने के लिए चार्जेस नहीं देने होते हैं ई पी एफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देने होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया और यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना होता है नॉट मोर देन वन परसेंट ठीक है तो इडली में भी कंट्रीब्यूट होता है नौ अब क्या होता है कभी कभी डिस्प्यूट आ जाता है कि नहीं हमारे ऊपर तो ये एक्ट या ये स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है ये पर्टिकुलर स्कीम हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इसलिए हम तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसर्न अथॉरिटी होती है वो क्या करती है इंक्वायरी करती है और निकालती है डिटरमाइन करती है कि ठीक है भाई एप्लीकेबल है नहीं है है तो कितना अमाउंट ड्यू हुआ और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के ऑर्डर पास कर देती है जब उनको ऐसा ऑर्डर पास करना है तो उनको बहुत सारे अधिकार चाहिए और उनको कौन से राइट्स या कौन से अधिकार मिलते हैं द सेम राइट्स ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कोर्ट के ट्रायल में जज को मिलते हैं दैट इज एनफोर्सिंग द अटेंडेंस डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट एंड इश्यूइंग कमीशन ठीक है अगर कोई पार्टी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनती है तो एक्स पार्टी बिना उसके ऑर्डर पास कर दिया जाता है अगर आपको लगता है नहीं आपके साथ गलत हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिसाइड भी किया जा सकता है और वापस से इंक्वायरी भी हो सकती है वापस से हियरिंग भी हो सकती है अगर आप इनके ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि इस ऑर्डर को क्या किया जाए रिव्यू किया जाए किन ग्राउंड्स पे रिव्यू हो सकता है कि कोई गलती है कोई सफिशेंट रीज़न है कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस है जो छूट गई थी जिसको अगर दिखाया जाएगा तो चीज़ें कुछ और ही हो जाएंगी या कोई गल रिकॉर्ड मतलब देर इज प्राइमा फेसी सम मिस्टेक मतलब सामने सामने दिख रहा है कि ये गलती है तो इन ग्राउंड्स पे रिव्यू किया जा सकता है इन ग्राउंड्स पे आप एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर और अथॉरिटी खुद भी रिव्यू कर सकती है ओके okay. नौ ये एक अधिकार है जो दिख रहा है ये एक अधिकार है ये कैसा अधिकार है मैम सी ऑफिसर कैन रीओपन द केस रीओपन द केस विद इन फाइव इयर्स मतलब मैंने कोई ऑर्डर पास किया और बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार ये चीज़ तो छुपाई गई थी जैसे पुलिस के भी केसेस रीओपन हो जाते हैं ना पीआईएल फाइल हो गई केस वाला रीओपन हुआ ये हुआ तो पाँच साल तक के लिए यहाँ पे भी केस रीओपन हो सकता है और ऑफिसर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं डिटरमाइनिंग कि कितना अमाउंट ड्यू है नौ इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दी ऑर्डर पास्ड बाई एनी अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा तो आप एपले ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं एंड ट्रिब्यूनल अपॉर्चुनिटी uh, देगी एंड इट कैन असाइड एपिलियट ट्रिब्यूनल के पास रेक्टिफिकेशन का भी अधिकार रहता है जैसे ऑर्डर कोई पास किया रेक्टिफिकेशन होता है ना जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी रेक्टिफिकेशन होता है तो वैसे यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन होता है कि प्राइमा फेस रिकॉर्ड में हमको दिख रहा है टू प्लस टू हमने फाइव लिख दिया तो पाँच रुपए की पेनाल्टी थोड़ी ना दे देगी तो हम अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर देते हैं ठीक है पर अगर आप इनके पास अपील के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको 75% परसेंट अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा अटैच नहीं होती है यह ये चीज मैंने ये आपको उसमें भी ग्रेचुटी में भी, भी बताई है जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन डजेंट मीन यू कैन रिड्यूस द वेजेस एंड uh, अगर हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे ईपीएफ अकाउंट है जैसे बैंक अकाउंट होता है ना वैसे ईपीएफ अकाउंट है ठीक है तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां वो ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है तो वहां का इम्प्लॉय फिर उसी में कंट्रीब्यूट करने लगेगा ना पेनाल्टीज है अगर आपने जान के कोई गलत स्टेटमेंट दी तो पेनल्टी है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया Uh, कोई भी प्रोविजन के साथ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह नहीं दिए तो आपके ऊपर कॉन्ट्रीवेंशन uh, है अगर आपने डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सिक्स सी हमारी अलग अलग स्कीम्स का था ठीक है ए और उसकी तो ये इसका uh, वो नॉन कम्प्लाइंस है अगर आपने कॉन्ट्रीविन किया विद एनी प्रोविजन्स ऑफ द स्कीम बचे कुछ जो भी मतलब जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं वो वाले एंड अगेन लास्टली अगर कोई और कंडीशन या प्रोविजन का कम्प्लाई नहीं किया यहाँ पे स्कीम का नॉन कंप्लाइंस है यहाँ कोई प्रोविजन या कंडीशन को नॉन कम्प्लाई किया जिसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं लिखी हुई है तो आपके ऊपर क्या पेनाटी लगेगी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने गलती की तो अब कंपनी ने जब गलती की तो हम किसको लायबल ठहराएंगे कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इस टाइप के जो प्रोविजंस होते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज ये ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको देखने को मिलते हैं कोई भी पर्सन अगर कमिट कर रहा है ऑफेंस वो जो वो कंपनी है तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया तो कोई ना कोई तो उसका इंचार्ज रहा होगा ना जो उसका इंचार्ज है हम उसको मानेंगे कि उसने गलती की है ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी पर अगर वो ये प्रूव कर दे नहीं मैंने तो ड्यू डिलिजेंस किया था मेरी नॉलेज के बना हुआ है तो हम उसको लायबल नहीं ठहराएंगे ऐसे ही डायरेक्टर मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर इनको भी लाइबल ठहराया जा सकता है अगर इनकी कंसेंट थी एंड दे एक्टेड नेग्लीजेंटली राइट बट अगर ये प्रूव कर दें कि नहीं भाई हमने तो कुछ नहीं किया है तो फिर उनको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा राइट right? तो ये हमारा कुछ प्रोविजन थे ऑफ ई पी लेट्स नाउ रिवाइज चैप्टर ऑफ ई एस आई है ना इंप्लॉयिज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट ये जो एक्ट है हमें सिर्फ यही पढ़नी है बट क्या ये एक्ट हमें सारी बातें बताती है द आंसर इज नो वी हैव रूल्स विच आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं इसके साथ साथ हमारे पास जो सेक्टोरियल रेगुलेटर आप बोल सकते हो उन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं जिनका गठन इसी एक्ट के तहत हुआ है तो ईएसआईसी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हम बात करते हैं दे हैव मेड अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस आल्सो का, इनका पूरा कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं दैट इज द एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस देन वी गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट इट अब इम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है क्या स्टेट मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई एक इंश्योरेंस स्कीम है इस एक्ट में एक स्कीम का मेंशन होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम उस स्कीम में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और जैसे किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में हम क्या करते हैं भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने के अगेंस्ट हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिकल आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस हमने सुना है तो उसमें हम क्या करते हैं भाई हम कंटिन्यूसली हर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं गॉड फॉरबिट अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ सारा उसका बिल कौन पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है वैसे ही इस एक्ट में भी एक फ़ंड है जिसको हम बोलते हैं ई एस फंड उसमें क्या हो रहा है हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमारा ये कंट्रीब्यूशन जो हम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं वो हमें क्या दे रहा है वो हमें बेनिफिट दे रहा है कैसे बेनिफिट्स दे रहा है सिकनेस बेनिफिट अगर कोई बीमार होगा तो उसको पेमेंट्स मिलेगी मेटर्निटी बेनिफिट्स

पहले भी ऐसा कभी कुछ होता था कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी वगैरह है तो हमारे पास और भी एक्ट होती थी वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट करके तो अब उसको हटा दिया गया है मतलब आप यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से बेनिफिट नहीं ले सकते हो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि मैम मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस दे है द आंसर इज नो ये पहला लेजिसलेशन है सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फॉर लोअर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ आई वुड से ऐसे इम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है जिनकी इनकम जिनकी वेजेस ज़्यादा नहीं है ठीक है क्योंकि जब आपकी वेजेस पर मंथ पच्चीस हज़ार तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार होती है आपके पास बहुत सारी प्राइवेट और अदर कंपनीज हैं जो केटर कर रही हैं आपकी ऐसी नीड्स को एंड यू कैन ऑलवेज अप्रोच सच कंपनीज एंड गो फॉर एन इंश्योरेंस बट ऐसे एम्प्लॉयज़ ऐसे वर्कर्स आए आई शुड से जो सा महीने में सिर्फ दस हज़ार रुपए कमा रहे हैं अब वो दस हज़ार उनके घर खर्च के लिए भी पूरे नहीं पड़ पा रहे हैं भाई आजकल एजुकेशन इतना महंगा है सब चीज़ें बहुत महंगी हैं है ना तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑल्सो ठीक है तो सब चीज़ें इतनी महंगी है तो क्या करना पड़ेगा आपको आपका सारा पैसा तो वहीं पर एग्जॉस्ट हो जा रहा है तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि भाई ये लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं देंगे और अगर अचानक से इनके ऊपर इतना बड़ा खर्चा आएगा मान लो किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है डिजीज हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई अब वो डिपेंडेंट हो गया अब वो काम नहीं कर सकता है अब उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो उस पर डिपेंडेंट थे बिकॉज ही वॉज सोल ब्रेड अर्नर तो अब वो क्या करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको भी पैसे देने पड़ेंगे ना अब अगर पैसे नहीं है तो फिर भूखे मर रहे हैं सब तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस यही पर्पज तो सर्व करता है ना इसीलिए इन्होंने क्या किया एक जबरदस्त सी स्कीम निकाली और ये उन्हीं कैटेगरी ऑफ इंप्लॉयिज के लिए है जो खुद ये बात नहीं सोचते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा यार चलो मैम बात तो एक ही है ना कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो पैसे तो यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब देखो कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा भार जो है या थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई वुड से मोस्ट ऑफ द रिस्िपॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर डाली है अब क्या होता है जैसे एक वर्कर है अगर मैंने एक फैक्ट्री खोल रखी है और एक वर्कर मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे काम चाहिए मैंने कहा काम ले लो मैं तुम्हें एक हज़ार रुपये दूंगी पर डे का मान लेते हैं ऐसा कुछ मैंने बोला एक हज़ार ज़्यादा हो जाएगा वो लिमिट के ही बाहर चला जाएगा तो हमारा एक्सप्लेनेशन सर्व नहीं करेगा मान लेते पाँच सौ रुपये पर डे दे देंगे विच अमाउंस टू तो समट पंद्रह हज़ार रुपये ठीक है तो पाँच सौ रुपये पर डे देंगे अब मेरी इच्छा थी कि मैं उसको मान लो छः सौ रुपये दे दूँ पर मंथ उतना भी मैं दे देती पर मैंने उसको बोला पाँच सौ रुपये अब उसमें वो एग्री कर गया अब क्या है मुझे पता है कि सौ रुपये मैंने स्पेयर रखे हैं पर इम्प्लॉय फॉर अदर कंट्रीब्यूशन दैट आई हैव टू मेक तो उसमें से एक ईएसआई है तो ईएसआई फंड में कौन कंट्रीब्यूट करता है इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है थ्री ऑफ द वेजेस और इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है जीरो ऑफ द वेजेस तो उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा कम सा होता है तो जैसे टी डिडक्ट करके हम बाकी पेमेंट देते हैं वैसे ही हम उसका कंट्रीब्यूशन काट लेते हैं और बाकी का बैलेंस उसको दे देते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन हम मिला के तो चार परसेंट ऑफ द वेजेस क्या कर देते हैं जमा कर देते हैं ईएसआई फंड में सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स मैंने काफी कुछ बोल दिया है ऑल्दो दिस इज अ रिवीजन क्लास फिर भी मैंने आपको काफी बैकग्राउंड दिया क्योंकि एक बार आपके पास बैकग्राउंड होता है तो आपके लिए सारी चीजें समझना बड़ा ईजी हो जाता है ठीक है ओके नाउ

अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है उसमें से कौन से एम्प्लॉयज़ ईएसआई स्कीम में कवर्ड होंगे वो वर्कर्स जिनकी सैलरी ट्वेंटी वन थाउजेंड से एक्सीड नहीं करती है अगर करती है तो भाई ट्वेंटी वन थाउजेंड में उससे एक्सीड करती है तो फिर आप क्या हो जाओगे ईएसआई में कवर्ड नहीं होंगे ओके okay. एक बार अगर आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल एप्लीकेबल हो हो गई तो वो जाती है देखो जब भी एक फैक्ट्री मैंने खोली और मैंने देखा कि यार मेरे पास तो 12 एम्प्लॉइज हैं तो मुझे क्या कराना पड़ेगा फैक्ट्री अभी खोली और मैंने 12 एम्प्लॉयज हायर की तो मुझे क्या कराना पड़ेगा ई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग हमारे पास ई ऑनलाइन पोर्टल भी है उसी पर हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें देते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं ठीक है अब रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो अगले साल हम ये नहीं बोल सकते यार हमने तो सात एम्प्लॉज को निकाल दिया तो हमारे पास पहले बारह था तो पांच ही बचे हैं तो अब तो हमारे ऊपर ई एस एप्लीकेबल नहीं है नहीं एक बार अगर ये एप्लीकेबिलिटी के अंदर आप आ गए तो फिर आप रजिस्टर हो गए और आपको फिर हर बार कंप्लाइंट करना है तो जो भी आपके पास है आपको उसके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा तो अब आप एप्लीकेबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी तो नहीं बट हाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज इन जनरल रेलवे पोर्ट माइन ऑयल फील्ड इन सब के लिए सी होता है अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जो एक से ज़्यादा ब्रांचेस होल्ड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो ऑब्वियसली कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एजी नहीं हो सकती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी बट ऑब्वियसली बात है कन्फाइनमेंट की अगर हम बात करें तो वो लेबर होता है अगर लिविंग चाइल्ड है तो जब भी लेबर आया अगर डेड चाइल्ड uh, भी हो रहा है तो आफ्टर ट्वेंटी सिक्स वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो लेबर आता है उसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट उसके लिए भी हमें बेनिफिट मिलता है इसलिए हम कन्फाइनमेंट टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं ठीक है डिपेंडेंट की अगर हम बात करें विडो वडोड मदर मदर सन लेस दैन ट्वेंटी फाइव ईयर्स मैरिड अनमरिड डॉटर इफ होली डिपेंडेंट ऑन इन्श्योर्ड अर्निंग सन और डॉटर विच इज मोर देन ट्वेंटी फाइव ईय एड एन फॉर्म वो भी इनकॉरपोरेट हो जाता है एंड इफ होली और पार्टली डिपेंडेंट तो हमारे ये लोग जो होते हैं ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं मैंने आपको बहुत डिटेल में थोड़ा सा बताया है बाकी आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी डिपेंडेंट तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट बड़ा अजीब सा लगेगा ठीक है चलो इसके बाद आते हैं हम इम्प्लॉय इंप्लॉयी कौन होता है जो वेजेस के लिए इम्प्लॉय हो रहा हो बट वो खुद भी इम्प्लॉय हो सकता है मतलब मैं एक एम्प्लॉयर हूँ मैंने उसको डायरेक्टली इम्प्लॉय किया है तो भी वो इम्प्लॉय है किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू किया है तो भी वो इम्प्लॉय है दैट इज थ्रू एन इमीडिएट इम्प्लॉयर जिसको हम बोलते हैं या फिर किसी की सर्विसेज मैंने हायर पे ली है लाइक आई आई कॉन्ट्रैक्टेड विद दिस थर्ड पार्टी हु हैज़ एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद सम पीपल और मैंने इनकी सर्विस क्या ली है हायर पे ली है तो वो जो है जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया है वो हमारा क्या हो जाएगा इम्प्लॉयी हो जाएगा सो हु सर्विसेज आर लेटर हायर टू प्रिंसिपल इम्प्लॉय एम्प्लॉयर ठीक है किसी ने मुझे उनकी सर्विसेज हायर पर दिए मतलब मैं पैसे दे रही हूँ किसी और की सर्विसेज लेने के लिए तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर ही हो जाता है नाउ वट यू हैव टू कीप इन माइंड वट यू हैव टू रिमेंबर एक्सक्लूजन्स भाई वो पर्सन जिनका एक्सीड कर जाता है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तो भाई आप तो इम्प्लॉय हुए ही नहीं पार्टनर्स जो होते हैं वो इम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं मेंबर ऑफ नेवी मिलिट्री एयरफोर्स ये इम्प्लॉय नहीं होते हैं और जो अप्रेंटाइज एक्ट में अप्रेंटाइज आता है वो इम्प्लॉय नहीं होता है अदर देन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए रॉ मटेरियल के लिए सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब इन सारे टास्क में भी हम जिनको एम्प्लॉय कर रहे हैं वो सारे के सारे भी हमारे इम्प्लॉय कहलाएंगे इसके साथ साथ जो कैंटीन वर्कर्स होते हैं वो भी इम्प्लॉय कहलाते हैं साथ साथ जो अप्रेंटाइज होते हैं वो भी इम्प्लॉय कहलाते हैं और जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हम जिनको एम्प्लॉय करते हैं वो भी कहलाते हैं और कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं ठीक है कैजुअल वर्कर्स भाई हमारे पास कमी हो गई Uh, दस वर्कर हमारी छुट्टी पर चले गए एक महीने के लिए हमने दूसरे लोगों को बुला के लेके आया वो कैजुअल वर्कर्स है हमारे उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं सब सब दे स्टिल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉज ठीक है ओके नाउ मिनट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर डिपेंडेंट इन अच्छा एम्प्लॉय तो मैंने बता दिया ना फैमिली आप खुद से ही समझ लेंगे इमीडिएट एम्प्लॉयर एक तरीके से ध्यान में रखो कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं वो हमारे इमीडिएट एम्प्लॉयर होते हैं परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ये सबकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव और आपको याद होनी चाहिए और मैंने आपको इसीलिए ना जो पार्ट टू है शेड्यूल वगैरह का सेकेंड शेड्यूल का वो भी दिखाया है भाई परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट क्या है कि भाई आप डिसेबल तो हुए हो टोटली totally नहीं हुए हो मतलब टोटल डिसेबलमेंट नहीं है अभी भी आप काम कर सकते हो पर आपका जो डिसेबलमेंट है वो परमानेंट है जैसे किसी का अंगूठा चला जाता है अगर, तो क्या हो गया आप डिसेबल हुए हो पर फिर भी आप उसके बिना भी काम कर सकते हो पर अगर किसी का हाथ चला जाए मशीन में चला गया हाथ चला गया तो ये तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया ना ठीक है तो बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो जाता है ठीक है सो यू विल नॉट बी एबल टू तो ये क्या है मैम हमको कैसे पता चलेगा पार्शियल है टोटल है भाई हमारे पास शेड्यूल है शेड्यूल में सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है कि इन इंजरीज को हम ये कंसिडर करेंगे इन इंजरीज को हम ये कंसिडर करेंगे सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड एंड लर्न इट ठीक है ओके वेजेस के बारे में बात करते हैं वेजेस क्या होता है वेजेस जो हम इन कैश देते हैं किसी भी इम्प्लॉयी को उस समय जो देते हैं ऑथराइज लीव है या लॉकआउट है या स्ट्राइक्स है या ले ऑफ है इस समय भी जो हम पैसे दे रहे हैं उसको भी हम वेजेस कहते हैं पर देखो अगर हम छः महीने में कुछ एक बार देते हैं तो दैट इज़ द काइंड ऑफ बोनस दे रहे हैं है ना तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ भी आप दीजिए बट एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग टू मंथ्स तो वो वेजेस है बट अगर बहुत ज़्यादा आप चार महीने चार चार महीने पर कुछ देते हो तो वो वेजेस तो नहीं कहला रहा है ठीक है क्योंकि बोनस एक्सक्रेश या ये सब इसको हम वेजेस नहीं मानते हैं हाउएवर एल प्रीमियम सब्सिडी है एच आर ए इंसेंटिव बोनस है ओवर टाइम है, है इन सबको मानते हैं कि वेजेस है पर कंट्रीब्यूशन जो पी में किया है या पेंशन फंड में किया है ट्रैवलिंग अलाउंस है ग्रैचुटी uh, है कोई भी स्पेशल एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए मतलब डिफ्रे करने के लिए वो पेजेस नहीं है तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है याद रखनी है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ESIC सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है बॉडी कॉर्पोरेट है परपेचुअल सक्सेशन है कॉमन सील है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन फोर में कौन कौन होता है भाई चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है तीन मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिश्यो डायरेक्टर जनरल इज हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे हम ई की अगर हम बात करें तो अदर रिप्रजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ इम्प्लॉई एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट यूटी मेडिकल प्रोफेशन तो डिटेल में आपको पढ़ना है बाकी आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो ठीक है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्चुअली है ना अब ये जो ई होते हैं ना और बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारे पास रीजनल लेवल पे रीजनल बोर्ड्स होते हैं लोकल कमिटीज़ होती हैं नेशनल लेवल पे हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होते हैं ठीक है थीके? ESIC के पास पावर्स है कि ये रीजनल बोर्ड्स, लोकल कमिटीज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स एट द लोकल लेवल आल्सो दे कैन स्टैब्लिश दैट राइट दे कैन अपॉइंट दैट फाइन तो अब हमें इसमें जो दो और अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ना है वो क्या है एक स्टैंडिंग कमिटी और दूसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल स्टैंडिंग कमिटी की अगर हम बात करें तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मेंबर्स बट ऑफ कोर्स इन जनरल इट इज़ टू इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन नोटिफाइड दिस इज डज़ नॉट अप्लाई टू ऑल बट ऑफ़ कोर्स द हैव बीन इलेक्टेड ठीक है पावर्स इनके पास क्या क्या है कॉरपोरेशन के अफेयर्स को मैनेज करते हैं ठीक है एडमिनिस्टर करते हैं बहुत सारे मैटर्स जो इनके पास आते हैं वो मैटर्स जो रेगुलेशन में लिखे हुए हैं कि यार आप ई को रेफर करो वो ESIC को रेफर कर देते हैं वॉलेंटरली कोई और भी केस है तो वो भी रेफर कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये इनकी जनरल पावर्स हैं इसमें होता कौन है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो वो होंगे ही होंगे जो ई के डायरेक्टर जनरल हैं वो इसका भी हिस्सा है ही है ठीक है थ्री मेम्बर्स ऑफ कॉरपोरेशन बाई सी थ्री मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन रिप्रेजेंटिंग थ्री स्टेट्स एट मेंबर्स इलेक्टेड बाय उसमें से तीन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हुए तीन एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करते हुए एक मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ और एक इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट ओके फाइन तो कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आप वहां मिलेंगे जहां आपको स्पेसिफाइड हो रेगुलेशन में तो रेगुलेशन जो बने हुए हैं ई द्वारा उसमें मीटिंग्स की बात कही है जो हमें पढ़नी नहीं है अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कारपोरेशन या स्टैंडिंग कमेटी अगर डिफॉल्ट करती है अपनी ड्यूटीज को ठीक से डिस्चार्ज नहीं करती है या फिर अपनी पावर का मिसयूज़ करती है तो गवर्नमेंट उनको एक मौका देगा सुनवाई का एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड और उनको सुपरसीड कर लेगा जिसको हम सुपर सेशन कहते हैं है ना तो मतलब अब आप लोग हट गए भाई आप ही लोग हो जिन्होंने इतना रायता फैला रखा है क्या कर रहे हो आपको मिला था कि हाँ आप इस तरीके से काम करिए आप तो अपनी पावर का अब्यूज़ कर रहे हैं लोगों को परेशान कर रहे हैं हारस कर रहे हैं राइट सो वॉट हैज टू बी डन इज़

ठीक है अब मेडिकल बेनिफिट्स हाउ दिस ईएसआई सिस्टम इज ऑपरेटिंग यू मस्ट नो दिस टू अंडरस्टैंड दिस देखो ई वाले क्या कर रहे हैं आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं मेडिकल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है अगर यार कोई बीमार पड़ता है तो उसको क्या चाहिए होता है जैसे रेलवेज भी है रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं आपने देखे होंगे तो रेलवे के जो इंप्लॉयज़ हैं वो रेलवे हॉस्पिटल्स में उनका एक कार्ड बना हुआ रहता है वो जाते हैं और वहां पे वो फ्री में उनको दवाई मिल जाती है फ्री में वो इलाज करवा लेते हैं ना डॉक्टर वॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं तो ऐसे तरीके से होता है यहाँ पे भी क्या बोला गया है जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में या शॉप्स में कहीं पर भी काम कर रहे हैं जिनपे ई एस एप्लीकेबल है उन्होंने ई का रजिस्टर करा लिया और हर इम्प्लॉ को भी क्या मिल जाता है एक कार्ड मिल जाता है आप समझ लो तो उनका ई यूनिक नंबर एक जनरेट हो गया उनके पास है अब ई हॉस्पिटल्स या ई एस डिस्पेंसरीज़ जगह जगह बने हुए हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ वो टाइप है ठीक है अगर ये नहीं है तो भाई सरकारी हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिनबर्स कर दिया जाएगा वो भी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली प्राइवेट ठीक है तो हमारे पास बहुत सारे ई हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जगह जगह वो भी बने हुए हैं प्रेफरेंस वही होती है कि वहीं जाए ठीक है अब क्या हो रहा है कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वहां पे वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो ईएसआई में बनी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी ठीक है सर्टिफिकेशन इन सब के बारे में मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या करती है एडवाइस करती है एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब रेजिग्नेशन एंड सजेशन तो इनके मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इन राइटिंग देकर रिजाइन कर सकते हैं और अगर वो कंगजिक्यूटिव तीन मीटिंग्स अटेंड नहीं करते तो वैसे भी मेंबरशिप उनकी सीज हो जाती है एंड देयर आर रूल्स विच हैव बीन फॉर्मड सो दे मे बी रीस्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ इंप्लॉयज के मैंने रजिस्ट्रेशन वैसे आपको ऑलरेडी बताया बट होता क्या है इसमें जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन लेता है क्या इन्फॉर्मेशन लेता है उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली डिटेल्स उसकी फ़ैमिली फ़ोटो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और इस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन रजिस्टर कर देता है ठीक है दिस हैज टू बी डन वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय जैसे हमारे पास एक बार पैन कार्ड होता है अब हम कितनी भी जॉब स्विच करते हैं उसी पैन से हमारा टैक्स डिडक्शन होता है वैसे ही हमने जब पहली बार एम्प्लॉयमेंट में गए ऐसे स्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे ई एस आई एप्लीकेबल है तो वहाँ पे एम्प्लॉय ने हमारे डिटेल्स लिए और उसको क्या कर दिया रजिस्टर कर दिया ऑनलाइन अब हम किसी भी अगली स्टैब्लिशमेंट में जाएंगे जहाँ पे ई एस आई एप्लीकेबल है हमें कुछ नहीं करना है हमारा वही ई एस कंट्रीब्यूशन होता रहेगा वो हमारे ही उस रिकॉर्ड में चलता रहेगा एंड वी विल बी एंटाइटल टू द बेनिफिट्स कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम कंट्रीब्यूशन मान लीजिए आज आप ई एस आई वाले उस पर हो तो आज आपका कंट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद फिर आप ऐसे स्टेब्लिशमेंट में चले गए जहाँ पे ई एस आई एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे तो देखो बेटा आप लोगों को मैं बता दूँ जो रेगुलेशन बने ना उसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड स्पेसिफाइड है जैसे फर्स्ट um, छः छः महीने का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है ठीक है फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट जून तक उसका बेनिफिट मिलेगा उसका बेनिफिट मिलेगा फर्स्ट अप्रैल से लेट uh, से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आप फर्स्ट अप्रैल से थर्टी सितंबर मान लेते हैं ये कंट्रीब्यूशन पीरियड है तो इतने समय में आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा तो इसका बेनिफिट पीरियड अलग है तो उतने समय तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ठीक है उसके बाद नहीं मिलेगा उतना कंट्रीब्यूशन दिया उतना बेनिफिट मिल गया तो इट डजेंट गो ऑन लाइफ लॉन्ग कि हाँ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि इतना तो हमारा गैप हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम में तो अब तो हमारा इंश्योरेंस का पैसा सारा चला गया नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड होता है अकॉर्डिंगली इट गोज ऑन दिस यू डोंट हैव टू स्टडी बट यू हैव टू कीप इन माइंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स राइट चलो इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड कॉरपोरेशन इसको होल्ड करता है और एडमिनिस्टर करता है सोर्सेज क्या है भाई कंट्रीब्यूशन जो आता है सबसे मेन सोर्स तो वही है इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटी है कोई भी इंडिविजुअल है कोई भी ये ग्रांड डोनेशन गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं ठीक है थीके? इसके यूज़ क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए Uh, कॉर्पोरेशन और मेंबर्स जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं उनकी फ़ीस और अलाउंस देने के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी अलाउंस पीएफ पेंशन ये सब देने के लिए ऑफिसर्स को सेटअप करने की कॉस्ट स्टैब्लिशमेंट करने की हॉस्पिटल्स वगैरह जो आप स्टैब्लिश करते हो उसकी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड अगर हमने सरकारी अस्पताल में यहाँ पे कोई ई एस हॉस्पिटल नहीं है तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट कराया तो उनको पैसे देंगे ना कॉस्ट ऑफ ऑडिट ई एस आई कोर्ट्स होते हैं जिनको स्टैब्लिशमेंट किया जाता है कि ई वाले जो केसेस होंगे ई वाले जो डिस्प्यूट्स होंगे ई वाले जो क्लेम्स होंगे उनको ये ई कोर्ट ही डील करेगा नॉट द सिविल कोर्ट्स वी हैव तो वहां पे उनको सेटअप करने की कॉस्ट सम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिग्री ऑफ कोर्ट कई बार होता है ना भाई केस फाइल कर दिया लोगों ने ई सी के ऊपर तो भाई उनको पेमेंट देनी पड़ी सेटलमेंट किया तो भी पेमेंट देनी पड़ी कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो भी पेमेंट देनी पड़ी इस इसी ई एस आई फंड से देंगे ना हम एंड देन मेजर्स ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट ठीक है कंट्रीब्यूशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये देते कैसे हैं कैश चेक डिमांड ड्राफ्ट इंटरनेट बैंकिंग एस ठीक है Cash, check, draft, banking, SBI. चलान यूजुअली जनरेट होता है चलान हम ई के पोर्टल पे जनरेट करते हैं और उसके बाद ये चलान लेके आप एस के बैंक में भी जा सकते हो और वहां से डिपॉजिट करा सकते हो या फिर एस बी की इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं पेड विद इन ट्वेंटी डेज एक्चुअली इट्स फिफ्टीन डेज़ ठीक है बट ठीक है अब कुछ चीज़ें के लिए मैं साइलेंट रहती हूँ है ना नहीं बोलती हूँ ठीक है इन बैंक ऑथोराइज बाय कॉरपोरेशन हाँ तो वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है वॉट हैज़ टू बी डन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर देता है बट अगर कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास अधिकार है कि भाई आप उनसे रिकवरी कर सकते हो ठीक है कैसे रिकवरी कर सकते हो या तो उनको जो आपको अमाउंट देना उसमें से डिडक्ट कर दो तो, या फिर एक डेट खड़ी कर दो तो, ठीक है इमीडिएट एम्प्लॉय क्या करेगा एक रजिस्टर मेंटेन करेगा एम्प्लॉय का एंड वो सबमिट करेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बिफोर सेटलमेंट ठीक है कॉर्पोरेशन के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस और उन्होंने इन पर्पसेस के लिए एक्चुअली रेगुलेशंस बड़े जबरदस्त बनाए भी हुए हैं ठीक है थीके? रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अगर कोई नहीं पे करता है तो दे विल बी रिकवर्ड इन द सेम मैनर एज एफ लैंड रेवेन्यू वॉज रिकवर्ड ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है जो ऑथोराइज ऑफिसर होता है वो इशू कर देता है सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर अब रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा अटैच कर सकता है या सेल कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले फैक्ट्री की करेगा अगर वो इनसफिशियंट रहेगी तो वो प्रिंसिपल इंप्लॉयर या इमीडिएट इम्प्लॉयर की भी कर सकता है अरेस्ट कर सकता है डिटेन कर सकता है एम्प्लॉयर को और अप्रूव कर सकता है रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिकल विच इज ट्रीटमेंट एज वेल एज अटेंडेंस सिकनेस पीरियॉडिकल पेमेंट्स मिलती हैं इस केस में मेटर्निटी के केस में भी आपको पीरियडिकल पेमेंट्स मिल जाएंगे कि भाई आप नहीं आप आ पा रहे आपको वो करना है तो आपको पीरियडिकल पेमेंट्स दी जा रही हैं बट यू कैन नॉट कंबाइन द टू बेनिफिट्स ऐसा नहीं कर सकते हम मेटर्निटी भी ले ले सिकनेस भी ले ले यहाँ पे भी पीरियोडिकल पेमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे भी ले रहे हैं मेटर्निटी में सिकनेस है ना हाँ तो भले ही आप दो चीजों पे अट्रैक्ट हो रहे हो बट स्टिल दो बेनिफिट्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते डिसेबलमेंट पीरियोडिकल पेमेंट्स डिपेंडेंट को मिलते हैं पीरियोडिकल पेमेंट्स अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए एलडेस्ट सर्वाइविंग मेंबर जो होता है उसको मिलता है कभी मान लीजिए कि, कि किसी का आगे पीछे कोई है ही नहीं तो जो अंतिम संस्कार करेगा उसी को ये फ्यूनरल एक्सपेंसेज के बेनिफिट मिल जाएंगे ठीक है ओके नाओ यू हैव टू रीपे द बेनिफिट्स इफ़ यूर नॉट लॉफली एंटाइटल्ड टू ठीक है तो अगर आपको गलती से बेनिफिट्स मिल गए तो आपको ये रीपे कर देने हैं ई को ठीक है अगर हम नहीं करते हैं तो उसके भी हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं ठीक है कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कर सकता है हॉस्पिटल्स विद सी अप्रूवल आपकी जो राइट टू रिसीव बेनिफिट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है ये आपके लिए है किसी और के लिए नहीं है कि इसको उठा के हमने उसको दे दिया नहीं नहीं आप किसी को नहीं दे सकते हो ठीक है आप कंबाइन नहीं कर सकते हो फॉर द सेम पीरियड बेनिफिट्स को ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इम्प्लॉयर दीज टू सेक्शन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओके इंप्लॉयर जो है कभी भी जस्ट बिकॉज ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट मतलब उसको थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट कंट्रीब्यूशन करना है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो वेजेस रिड्यूस कर दे ठीक है फॉर रिड्यूसिंग हज लाइबिलिटी दिस इज नॉट अलाउड दिस इज नॉट परमिटेड इसके अगेंस्ट इंप्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है फॉर कब अलाउड है जो रेगुलेशंस में परमिटेड चीजें हैं उन केसेस के लिए अलाउड है ठीक है अदरवाइज ही शुड हैव अ जस्टिफाइड रीजन फॉर रिड्यूसिंग द वेजेस ही कैन नॉट जस्ट रिड्यूस द वेजेस फॉर रिड्यूसिंग लाइबिलिटी दूसरा इंप्लॉयर कभी भी अपने एम्प्लॉ को डिसमिस नहीं करेगा और डिमोट नहीं करेगा आप कह सकते हो उसका कोई भी बेनिफिट कम नहीं करेगा उसको किसी भी और तरीके से पनिश नहीं करेगा ड्यूरिंग हिज सिकनेस मतलब अगर वो सिकनेस बेनिफिट ऑप्टेन कर रहा है या मेटर्निटी बेनिफिट ऑप्टेन कर रहा है तो आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हो ठीक है इसके बाद आता है हमारा एजुडिकेशन एजुडिकेशन कहाँ होगा ई एस आई कोर्ट में होगा ठीक है एजुटिकेशन कहा होगा ईएसआई कोर्ट में होगा ईएसआई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है और वही डिसाइड करते हैं कोई भी डिस्प्यूट कैसा डिस्प्यूट कि एक बंदा इंप्लॉय है या नहीं है उसके क्या रेट ऑफ वेजेस होने चाहिए क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कौन प्रिंसिपल इंप्लॉयर है ठीक है उसको बेनिफिट का हक है या नहीं है अदर डिस्प्यूट्स क्लेम्स जो होते हैं क्लेम्स भी डिसाइड होते हैं कौन से क्लेम्स क्लेम्स लाइक रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन भाई प्रिंसिपल इंप्लॉयर हमें लगता है कि आपके इतने इंप्लॉयज़ हैं आपने इतने वेजेस दिए तो इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए चार लाख कंट्रीब्यूशन आया आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सिर्फ दो लाख तो दो लाख कंट्रीब्यूशन क्या है नहीं दिया है आपने तो ये क्या हो गया क्लेम हो गया है ना ये क्लेम किसको देना था प्रिंसिपल इंप्लॉयर को जमा करना था ई के पास उन्होंने नहीं किया अब ई वाले बोल रहे हैं कि ये दीजिए वो बोल रहे हैं नहीं हमारा तो इतना पैसा ही नहीं बनता है तो ये कौन डिसाइड करेगा ई कोर्ट डिसाइड करेगा ठीक है पर ईएसआई कोर्ट ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल को बोलता है कि आप कम से कम से कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद हम ये टेक टेकअप करेंगे ठीक है इफ यू आर नॉट हैप्पी है तो ई एस आई कोर्ट आर बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स दैट वी हैव ठीक है ओके और क्या बच्चा I think I've tried to cover everything. इसके अलावा जो पेनाल्टीज है of course, आपको खुद याद करनी है तो दैट डेफिनेटली यू कैन डू इट वी हैव प्रोविजंस एंड देयर आफ्टर वी हैव द पिनल uh, एक्शन कुछ हमारे अदर स्टैट्यूट्स में भी हैं जैसे अगर आपने चेक के मीडियम से कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट या डैमेजेस कुछ भी पे किया और वो चेक बाउंस हो गया तो मतलब आपने सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ एन का भी ऑफेंस किया है ठीक है बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स ठीक है लाइकवाइज यू हैव आईपीसी आईपीसी में क्या बोला जाता है कि भाई आपने इंप्लॉय के तो पैसे काट लिए कि हम कंट्रीब्यूशन है और हमें जमा करना है पर आपने जमा नहीं किया तो मतलब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है ठीक है और दैट्स uh, इट कोई भी कोर्ट uh, आपकी कंप्लेंट ऐसे ही नहीं लेगा एक्सेप्ट अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग और प्रोसिक्यूशन तभी शुरू होगा जब इंश्योरेंस कमिश्नर इसका सैंक्शन करता है या कोई भी और ऑफिसर ऑफ ई एस आई इसका सैंक्शन करता है तो ठीक है चलो सो पेनाल्टीज द मेन क्लास राइट थैंक यू ओके लेट्स नाउ रिवाइज द चैप्टर ऑफ कोड ऑन वेजेस As you all know, this act is called not the Code on Wages Act, but simply the Code on Wages. Why? The reason being that there actually were four labor codes which were enacted, which were notified Code on Social Security, Industrial Relations, Occupational Safety, Health, and of course the Code on Wages. We are discussing the Code on Wages because this compiles minimum wages. Payment of wages, payment of bonus, and equal remuneration. So it talks about on four aspects which were earlier discussed by the respective acts. The respective acts have been repealed, and अब हम क्या discuss kar rahe hai? Now we are discussing one code that is Code on Wages 2019. अब हम क्या कर रहे हैं वही discuss karne wale right? Chal. Code on Wages.

एक यूनिफाइड डेफिनेशन भी है अगर हम इम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे तरीके के एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं हर वो पर्सन जो काम कर रहा है अदर देन अप्रेंटाइज एंड अदर देन आर्म्ड फोर्सेस वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर हो जाता है अगर हम वर्कमैन की बात करें जो एक और पर्सन डिफाइन किया हुआ है जब हम एक्ट पढ़ते हैं ये कोड पढ़ते हैं तो कई जगह हमको दिखता है कि सिर्फ वर्कर यूज़ किया गया है एम्प्लॉय नहीं यूज़ किया गया है सो वैन वी टॉक अबाउट वर्कर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री इसमें जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज भी आते हैं पर एयरफोर्स नेवी पुलिस प्रिजन ये वाले लोग नहीं आते हैं मैनेजेरियल लोग नहीं आते हैं और वो लोग नहीं आते हैं जो फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर की सैलरी ड्रॉ कर रहे हो ठीक है सो दीज आर दीपल हु आर नॉट इंक्लूडेड फिफ्टीन थाउजेंड और सच हाइयर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड एम नॉट डिस्कसिंग दैट हियर क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है अफकोर्स हमारे सिलेबस में इसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा नहीं है पूरा का पूरा कोड हमें नहीं पढ़ना है हमें कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस ही पढ़ने हैं हम अगर इस कोड की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा कोड है ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है और उस चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शन हैं सबसे पहले जो हम डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं वेजेस 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 का राइट वी अबाउट द तो wages क्या होती है अगर हम वेजेस की डेफिनेशन में जाएं तो वेजेस में सारी रिम्यूनोरेशन जो आप पे करते हो इंक्लूडिंग बेसिक डीए एंड आरए ये होती है हमारी बेसिक कम से कम फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी होनी ही होनी चाहिए अगर उसकी नहीं होती है तो जो एक्सेस होता है उसको भी हम मान लेते हैं कि वो हमारे वेजेस का हिस्सा है अगर कुछ रेम्यूनरेशन इन काइंड मिलती है तो अप टू फिफ्टीन परसेंट दैट विल ऑल्सो भी वेजेस इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं जैसे एच आर ए बोनस कन्वेंस हाउस एकोमोडेशन पी एफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन कुछ सोशल एक्सपेंसिस कुछ ओवर टाइम कमीशन ग्रैचुटी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ये सारी चीज़ें हमारे वेजेस का हिस्सा नहीं होती हैं एम्प्लॉय वर्कमैन मैंने आपको बता दिया अब हमारा सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर में हमें देखना है वो आता है सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू तो मिनिमम वेजेस कम से कम कितनी वेजेस देनी चाहिए सेक्शन थ्री की अगर हम बात करें तो इसमें बात होती है अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या अवॉइड करना है द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज़ टू बी एवॉयडेड ऑन द ग्राउंड कि हम अपॉइंटमेंट जिसका भी करे, जेंडर बाइस्ड होके नहीं करे, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट नो डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस आल्सो, अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों सेम तरीके का काम कर रहे हैं सेम एनवायरनमेंट में कर रहे हैं सो दे शुड बोथ बी पेड द सेम वेजेस इक्वल रेम्यूनरेशन करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें मेल की रेम्यूनरेशन कम कर देनी है ताकि वो फीमेल के एट पार आ जाए सो नो रिडक्शन ऑफ वेजेस नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इवन इन रिक्रूटमेंट ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है भाई फ्लोर वेजेस का मिनिमम वेजेस का फ्लोर वेजेस जो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे नेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है फ्लोर वेज दैट इज़ फिक्सड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट वो वर्किंग स्टैंडर्ड्स लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को ध्यान में रख के फ्लोर वेज फिक्स करते हैं इस फ्लोर के बेसिस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मतलब दैट कुड बी द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है जैसे हमारे रेलवेज हो गए और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्लोर वेज फिक्स किया इसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस फिक्स करती हैं। योर मिनिमम वेज कैन नॉट बी लेसर दैन ईदर हैज बी मोर देन और इक्वल टू आप जो भी फ्लोर वेज या मिनिमम वेज फिक्स करते हो ये आप एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद करते हो ठीक है ओके फाइन मैम नाउ अनडाउटेडली यू कैन फिक्स इट यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट कैसे हम फिक्स करते हैं जो टाइम बेस्ड वर्क होता है उस पर हम आवरली डे वाइज या मंथली फिक्स कर सकते हैं जो पीस वर्क होता है उस पर हम पीस वाइज भी फिक्स कर सकते हैं और अगर हमारे पास पीस वाइज नहीं होती है तो हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टाइम बेसिस पे भी फिक्स कर सकते हैं और टाइम वर्क बेसिस पे जब फिक्स करते हैं तो हम टाइम वर्क के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं ठीक है, सो इसके लिए पीस वर्क के लिए भी स्पेसिफाई किया गया है कि आप टाइम वर्क के हिसाब से पे करोगे एंड कोर्स इफ इट इज नॉट फिक्स्ड एज अकॉर्डिंग टू पीस वर्क तो हम टाइम पेमेंट के हिसाब से ही करेंगे इसका हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था नाउ when वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स कि क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कम से कम डिसाइड करें कि इतना पैसा तो वर्कर्स को मिलना ही मिलना चाहिए हम देखते हैं कि उनके स्किल्स क्या हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं भाई वहां पे काम करने का और वहां पे रहने का खर्चा कितना ज्यादा होता है वो कैसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं बड़े आराम से कंफर्टेबली काम कर रहे हैं कम पैसे मिलेंगे तो भी चलेगा खतरों वाले काम है तो ज्यादा पैसे चाहिए सो हजार डे ऑक्यूपेशन में ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख रखिए नॉर्म्स को ध्यान में रख के जो बनाए गए हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट क्या करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ठीक है नाउ कैसे होता है वॉट इज द प्रोसीजर दैट दे एडोप्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटी अपॉइंट करती है वो कमिटी क्या करती है इंक्वायरीज होल्ड करती है और रिकमेंड करती है कि आप मतलब क्या फ़िक्स करना चाहिए या कैसे रिविजन होना चाहिए देखो एक बार हमने फ़िक्स किया ऐसा नहीं है कि अब हम सालों साल बैठ जाएंगे मैक्सिमम पाँच साल में हमको क्या करना होता है रिव्यू करना होता है रिवाइज करना होता है वो हम कैसे करेंगे कमिटी बना सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो इंक्वायरी होल्ड करते हैं जा जा पता करते हैं एंड उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर नोटिफिकेशन निकाल के वो फिक्स कर देते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी प्रपोजल है आप उसको पब्लिश कर देते हो और दो महीने का टाइम दे देते हो अब जो पर्सनस इफेक्ट होने वाले मतलब जो इम्प्लॉयर हैं हैं, जो भी हैं, वो क्या करते हैं आपको रिकमेंडेशन देते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप नोटिफिकेशन निकाल रिवाइज कर सकते हो तो so, हमारे पास आइडियली दो तरीके होते हैं ऐसा करने के लिए ठीक है चलो इस कमिटी में कौन होगा अगर आप कमिटी बनाओगे तो कमेटी में अनडाउटेडली आपके इंप्लॉयर इंप्लॉय और कुछ इंडिपेंडेंट लोग जरूर होंगे जो रिविजन होता है ये एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग पाँच साल मतलब मैक्सिमम पाँच साल के अंदर अंदर आपको फिर से रिव्यू करना ही करना पड़ता है कि मिनिमम वेजेस अब बदलने की ज़रूरत अगर है तो हम उसको रिवाइज़ करते हैं और अगर नहीं है तो हम रिव्यू ज़रूर करते हैं मिनिमम वेजेस हमारी कैसे कैसे हो सकते हैं हम बता सकते हैं कि बेसिक रेट हम बता सकते हैं कि बेसिक रेट प्लस द कॉस्ट वैल्यू ऑफ कंसेशन हम बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन या फिर हमारा एक ऑल इंक्लूसिव रेट भी हो सकता है नाउ फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं कि मिनिमम वेजेस देनी है आपको मिनिमम वेजेस हमने बोला कि अगर हम टाइम बेस्ड बताते हैं तो हम एक दिन की भी मिनिमम वेजेस बता सकते हैं एक घंटे की भी बता सकते हैं और एक महीने की भी बता सकते हैं एक दिन में अगर कोई एक ही घंटे काम करता है तो क्या उसे पूरे दिन की वेजेस मिलनी चाहिए द आंसर नो राइट तो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता सकती है कि, कि कितने घंटे अगर आप काम करोगे तो हम उसको नॉर्मल वर्किंग डे मानेंगे वो ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सात दिन में एक दिन कम से कम रेस्ट का होगा और अगर आप रेस्ट वाले दिन उनसे काम कराओगे या ओवर वैसे कराओगे तो उस पर ओवर टाइम रेट लगेगा और उसमें आपको जो पेमेंट करनी होगी वो ओवर टाइम रेट के हिसाब से करनी होगी वो नॉर्मल रेट के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो पर कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में हम नहीं बोल सकते कि आठ घंटे ही काम करना है क्यों क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हो सकता है दस घंटे आपको काम करना ही पड़े हाँ उसके बाद हम आपको रेस्ट ज़्यादा देते हैं बट दस घंटे एट अ स्ट्रेच काम करना ही पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आठ घंटे के लिए आप नॉर्मल वेजेस दोगे और दो घंटे के लिए ओवर वेजेस दोगे नहीं आप दस घंटे के लिए नॉर्मल वेजेस ही दोगे तो कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे इमरजेंसी के केस में हम नॉर्मल वेजेस पे ही काम कराना आते हैं. कभी कभी प्रिपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क होता है मतलब ये काम करेंगे तभी हम दूसरा काम कर सकते हैं तो वो आपको नॉर्मल वर्किंग के भी करना हो सकता है, है uh, बट में कोई है तो वो बाहर चला गया अब दो दिन बाहर रहेगा फिर वो तीसरे दिन आएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो दिन रात काम कर रहा है वो वहां पर सो भी रहा है बट दैट इज़ ऑ ऑल्सो हिज एम्प्लॉयमेंट उसके बाद आएगा तो उसको दो दिन छुट्टी दी जाएगी ठीक है तो उन केसेस में हम नॉर्मल वर्किंग डेज इस तरीके से नहीं कंप्यूट कर सकते कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें ज़्यादा काम करना होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल फोर्सेस ऐसे हैं कि भाई इस समय हवा रुकेगी तभी ये काम होगा तो तब अनयूजल uh, टाइमिंग में काम हो सकता है सो दीज आर एक्सेप्शन्स अगर आप एक वर्किंग डे में आठ घंटे हैं और आपसे कम काम करते हो तो यू विल स्टिल बी एंटाइटल्ड कि आपको पूरे दिन का पैसा मिले मैम ये तो गलत है हाँ ये गलत है पर अगर ये आपकी गलती से नहीं है तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे अगर आपकी गलती से है तो आपके पैसे कटेंगे मतलब अगर आप खुद ही काम नहीं करना चाह रहे हो तो आपके पैसे कटेंगे अगर इम्प्लॉयर ने बुलाया है और वो इम्प्लॉयर आपको काम नहीं देना चाह रहे आप तो गए थे ना अब एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है तो बोलेंगे चलो आधे दिन ही काम किया तो आधे दिन का पैसा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा अगर आप एक नॉर्मल वर्किंग डे से ज़्यादा काम करते हो तो ओवर टाइम मिलता है ओवर टाइम कितना होता है टू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एटलीस्ट ठीक है पीस वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया एंड देर कुड बी वेजेस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कैसे पेमेंट होगी वेजेस की करे uh, से नोट से क्रेडिटिंग देयर बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट कैसे भी हो सकती है वेज पीरियड उनका फिक्स होगा कि उनको पेमेंट डेली बेसिस पे होगी वीकली होगी फोर्थ होगी या मंथली होगी अगर उनको डेली होती है अगर उनका वेज पीरियड डेली है तो जब उनकी शिफ्ट एंड होगी एक दिन की उनको पेमेंट हो जाएगी अगर वीकली है तो लास्ट वर्किंग डे पे उनको पेमेंट हो जाएगी अगर फोर्थ नाइटली है तो जब आपका फोर्थ नाइट खत्म होता है उसके सेकेंड डे के एंड से पहले पहले हो जाएगी और अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ के सेवेंथ से पहले पहले हो जाएगी ये आपकी डेडलाइन होनी ही होनी चाहिए इसमें आपको पेमेंट कर ही देना है अगर आप किसी एम्प्लॉय को हटाते हो या वो छोड़ता है या वो रिजाइन करता है तो उसके दो वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए ठीक है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो और कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड कर सकती है या हम पूरी की पूरी वेजेस देंगे या कुछ हम डिडक्ट कर सकते हैं आपको अलाउड नहीं है डिडक्ट करना अनलेस वो अलाउड डिडक्शन में फॉल करे डिडक्शन किसको हम बोलते हैं हम आपके प्रमोशन वगैरह को रोक रहे हैं इंक्रीमेंट को रोक रहे हैं वो भी एक तरीके से डिडक्शन ही हो गया ठीक है कुछ डिडक्शन होते हैं जो अलाउड होते हैं जैसे इम्प्लॉयर चाहे तो फाइन इंपोज कर सकता है पर फाइन की आपको सेक्शन 19 के हिसाब से कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी फाइन आप सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज पे इम्पोज करोगे जो गवर्नमेंट ने आपको बताई हो और आप उन एक्ट्स को डिस्प्ले करोगे कि ताकि सारे वर्कर्स को सारे एम्प्लॉयज को पता हो कि अगर हमने ये काम किया तो हमारे ऊपर फाइन लगेगा फिर भी फाइन लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और मैक्सिमम फाइन शैल नॉट एक्सीड थ्री परसेंट ऑफ द वेजेस पेपर अगर कोई भी वर्कर हमारा या इम्प्लॉय हमारा 15 इयर्स के अंडर एज का है तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा कोई भी फाइन की रिकवरी आप 90 डेज़ के बाद नहीं करोगे आप डेट ऑफ इम्पोजिंग फाइन क्या होगा जिस दिन वो ऑफेंस हुआ उस दिन फाइन लग गया इसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करोगे एंड यू विल आल्सो यूटिलाइज द फाइन दैट यू हैव कलेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन इम्प्लॉयड ओनली तो अगर ये कंडीशन हम पूरी करते हैं सेक्शन 19 के हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं फाइन इंपोज कर सकते हैं और फाइन को डिडक्ट करने के बाद वेजेस पे कर सकते हैं सो दिस इज़ एन अलाउड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस दूसरा अलाउड डिडक्शन होता है हमारा एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी अगर कोई बंदा आया ही नहीं है तो क्या हम उसकी वेजेस नहीं काटेंगे काटेंगे बट अगेन सेक्शन नंबर ट्वेंटी होता है जिसको हमें कंप्लाई करना होता है um, absence of work, um, में दो चीजें आती हैं। पहली बात आप उतना ही पैसा काट सकते हो मतलब डिडक्शन अपॉन शुड बी लेस देन इक्वल टू एबसेंस अबाउट अपॉन टोटल पीरियड मतलब उसी प्रपोर्शन में आप पैसा काट सकते हो ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा पैसा काट सकते हो ठीक है एबसेंस हम किसको बोलते हैं जब आप काम पे नहीं आए हो या तो कुछ पार्ट पीरियड के लिए नहीं आए हो या पूरे पीरियड के लिए नहीं आए हो मास एब्सेंस केस में हमारा थोड़ा सा प्रोविजन अलग हो जाता है एंड uh, ऐसी सिचुएशन में यू विल नॉट डिडक्ट अमाउंट एक्सीडिंग इज वेजेस फॉर एट डेज ठीक है ये कंडीशन हम फुलफ़िल करते हैं तो एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी के केस में भी हम पैसे काट सकते हैं अगर एम्प्लॉय के निगलेक्ट की वजह से हमें कुछ लॉस हुआ हम पैसे काट लेंगे हमने उसको कुछ हाउस एकोमोडेशन दिया है हम पैसे काट लेंगे हमने उसे कुछ और इम्यूनिटीज़ या सर्विसेज दी हैं हम पैसे काट लेंगे उसने हमसे कोई एडवांस लिया है हम पैसे काट लेंगे हमने उसको वेलफेयर फंड से कुछ लोन दिलवाया है हम पैसे काट देंगे हमने उसको घर बनवाने के लिए कोई लोन दिया है फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड हम पैसे काट देंगे हम उसके इनकम पे टैक्स लगता है टीडीएस काटते हैं हम आराम से काटेंगे हमने उसका पी जमा किया है तो हम उसको सैलरी काट के ही देंगे राइट right? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर बनने के लिए वो किया है तो पैसे काट के ही देंगे कोई ट्रेड यूनियन का आप हिस्सा बनना चाहते हो आपने कंसेंट दिया है आपने ऑथराइज़ किया है हम आपके पैसे काटेंगे ही काटेंगे फिर अगले तीन पॉइंट आते हैं जो हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं रेलवे में जैसे आपने रिकवरी की और आपने जाली नोट की रिकवरी कर ली तो ऐसी सिचुएशन में आपके पैसे कटते हैं वैसे ही आपने इनवॉइस नहीं काटी उसकी वजह से रेलवे को नुकसान हुआ आपके पैसे कटेंगे आपने गलत रिफंड दे दिया किसी को आपके पैसे कटेंगे और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे सुनामी आ गई तो हमारे एम्प्लॉयी ने कहा कि कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को तो सौ रुपये उसके ऑथराइज़ किए हमने काट लिए तो वो भी हम काट सकते हैं ठीक है कभी भी हमारा डिडक्शन जो होगा वो फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेजेस से एक्सीड नहीं करेगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर फोर पे जो बात करता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस पेमेंट ऑफ बोनस बोनस किसको मिलता है बोनस हर इम्प्लॉय को मिलता है जो स्टैब्लिशमेंट में हो और एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग मतलब उतनी वेजेस ड्रॉ कर रहा हो जितनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताई है अगर उससे ओवर एंड अबव आप वेजेस ड्रॉ करते हो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताई है मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह अलग अलग वेजेस हो सकती हैं उससे ज़्यादा अगर ड्रॉ करते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा उसके विद इन ड्रॉ करते हो तो बोनस मिलेगा सब्जेक्ट टू आप एटलीस्ट थर्टी डेज इन एन अकाउंटिंग योर काम करो अगर आप कम से कम थर्टी डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर काम करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर बोनस पर पर इसके बाद भी हमारी बात खत्म नहीं होती है जी, ये तो मैंने आपको ना बता दिया है इसके बाद भी हमारी बात खत्म नहीं होती है

कि आप कभी कभी डिसक्वालिफाइड होते हो आपको बोनस नहीं मिलता है क्यों क्योंकि आपने धोखा किया है और इसलिए आपको निकाल दिया गया आपने एक फ्रॉड किया आपको निकाला गया कंपनी से इस्टबलिशमेंट्स से और अब आप उम्मीद करो कि आपको बोनस भी मिलेगा आंसर दो सो इन केस ऑफ फ्रॉड इन केस ऑफ राइटियस और वायलेंट बिहेवियर थेफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन सेब या फिर कन्विक्शन ऑफ सेक्शुअल हरसमेंट ये चार पॉइंट सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन में कवर होते हैं विच टेल्स यू अबाउट डिसक्वालिफिकेशन इन दीज सिचुएशन यू आर डिसक्वालिफाइड आपको बोनस नहीं मिलता है इज यू विल बी एंटाइटल बोनस एट 8.33% और वन हंड्रेड हायर मैक्सिमम बोनस 20% परसेंट ऑफ एनुअल इसके अलावा अगर आप प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस डिमांड करते हो तो बिल्कुल दिया जा सकता है आपके और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से पर फिर भी वो ट्वेंटी परसेंट की लिमिट के अंदर ही अंदर रहेगा ठीक है हम वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग डेज में हम इनको डीम्ड वर्किंग डेज मानते हैं द पीरियड फॉर विच यू हैव बीन लेड ऑफ द पीरियड फॉर विच यू आर ड्रॉइंग सैलरी आप लीव पे हो फिर भी आपको सैलरी मिल रही है वो भी आपका वर्किंग डे है टेम्पररी डिसेबलमेंट है वो भी वर्किंग डे है मैटर्निटी लीव है जिसपे सैलरी मिलती है वो भी हमारा वर्किंग डे है ठीक है तो इन दिन पे हम मानेंगे कि एम्प्लॉय ने काम किया है क्यों क्योंकि वर्किंग डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी एम्प्लॉय कम से कम थर्टी वर्किंग डेज काम करता है तभी उसका बोनस का एंटाइटलमेंट होता है तो इतने दिन को भी हम वर्किंग डेज मानेंगे स्टैब्लिशमेंट या ब्रांच अगर अलग अलग स्टैब्लिश अगर अलग अलग ब्रांचेज रहती हैं स्टैब्लिशमेंट की तो सबको हम कलेक्टिवली मानते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बोनस पर अगर ये अपना अलग अलग पी एंड एल बैलेंस शीट बना रही हैं तो हम इनको सेपरेट भी ट्रीट कर सकते हैं देन कम्स योर कंप्यूटेशन ऑफ बोनस भाई बोनस कैलकुलेट कैसे किया जाए बोनस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट बैंकिंग कंपनी के लिए वो मैनर जो प्रिस्क्राइब है बाकी के लिए वो मैनर जो प्रिस्क्राइब है

वो होता है हमारा एलोकेबल सर प्लस एलोकेबल सर प्लस में से हम बोनस देते हैं हो सकता है किसी कंपनी का एलोकेबल सर प्लस जीरो आ जाए कुछ भी ना बचे तो क्या उस सिचुएशन में बोनस देना पड़ेगा द आंसर इज यस एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो मिनिमम बोनस का जो अमाउंट है वो तो आपको देना ही देना पड़ता है तो हमारी तीन सिचुएशन हो सकती है एलोकेबल सरप्लस हमारा मिनिमम बोनस से कम है तो भी बोनस देना है उसके बराबर है तो जितना है उतना बोनस दे देना है और उससे ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम बोनस देते हैं उससे भी ज़्यादा है तो हमारा सेट ऑन का प्रोविजन लगता है तो हमारे पास इसके बाद प्रोविजंस आते हैं सेट ऑन और सेट ऑफ की सेट ऑन मतलब एक्सेस प्रॉफिट है हमारे पास हमारा मिनिमम बोनस का अमाउंट एक लाख रुपए आता है हमारे पास दस लाख के प्रॉफिट हैं तो एक लाख रुपए मिनिमम बोनस मैक्सिमम बोनस तीन लाख का आता है तो हमने दस लाख में से तीन लाख मैक्सिमम दे दिया उसके बाद भी हमारे पास सात लाख रुपए बच गए तो तीन लाख और हम क्या कर सकते हैं सेट ऑन कर सकते हैं मतलब उसको सेट असाइड कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इसको हम यूज़ करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ बोनस इन द कमिंग ईयर्स पर सेट ऑन के भी प्रोविजन्स हैं मैक्सिमम चार अकाउंटिंग ईयर्स तक वो चल सकता है और मैक्सिमम सेट ऑन जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दैट इज ओनली ट्वेंटी परसेंट ठीक है फाइन मैम तो ये बात तो क्लियर हो गई सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑफ एलॉकेबल सर प्लस सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स ऑल दो मैंने आपको यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन भी कराया था एक्सप्लेनिंग द होल थिंग एक्सप्लेनिंग द कम्प्लीट प्रोविजन और कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि सेट ऑफ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सेट ऑन ये नहीं समझना यहाँ सेट ऑन हो रहा है तो यहाँ सेट ऑफ हो रहा है नहीं सेट ऑफ कब होता है जब हमारा एलॉकेबल सर प्लस एलॉन्ग विद वॉट एवर इज अवेलेबल इज नॉट इवन सफिशेंट टू मेट मिनिमम बोनस पेबल देखो रिविजन चल रहा है जिसने पढ़ा नहीं है उसको समझने में दिक्कत होगी और जिसने पढ़ा है उसका जबरदस्त रिविजन होगा है ना तो रिविजन है इस बात को ध्यान में रखना हमेशा रिविजन को कभी भी मेन क्लास का रिप्लेसमेंट मत करना ठीक है लॉन्ग रन में आप ही को दिक्कत होगी खैर तो अगर हमारा एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से ज़्यादा है तो जो एक्सेस होता है सब्जेक्ट टू ट्वेंटी परसेंट की लिमिट वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं चार सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर्स तक फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक और उससे हम दे सकते हैं अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास अलॉकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम है और हमारे पास कोई भी सफिशेंट अमाउंट भी नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मतलब सेट uh, ऑन का भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो वो जो डेफिशेंसी होती है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगले चार सक्सीडिंग ईयर्स तक ठीक है बाकी प्रिंसिपल्स वो होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हैं एंड पहले हम उनको सेट ऑफ़ पहले हम उनको यूज़ करते हैं जो पहले हैं मतलब अगर ईयर टू में हमारे पास एक्सेस था तो पहले हम ईयर टू को यूज़ करेंगे फिर ईयर थ्री में आया एक्सेस तो उसके बाद ईयर थ्री वाला यूज़ करेंगे फीफो के हिसाब से हम यूज़ करते हैं राइट right. जो हमारे नए स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं पहले पाँच साल हम कुछ बोनस नहीं देते हैं सिक्स और सेवेंथ ईयर में हम सेट ऑन सेट ऑफ शुरू तो करते हैं पर फिफ्थ ईयर से ही शुरू करते हैं और एट्थ ईयर ऑनवर्ड्स हम जैसे सेक्शन थर्टी सिक्स में करते थे सबके लिए वैसे ही करते हैं तो ये स्पेशल चीज थी फॉर न्यू स्टैब्लिशमेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है ओके फाइन मैम नाउ अदर एडजस्टमेंट्स अगर हमने पूरे दिन काम नहीं किया तो प्रपोर्शनरी प्रोडक्शन होगा अनडाउटेडली अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई और बोनस आपको दिया हुआ है जैसे दिवाली बोनस दे दिया पूजा बोनस दे दिया या पहले कुछ बोनस दे दिया तो एम्प्लॉयर का हक होगा उतना अमाउंट आपके बोनस में से डिडक्ट करने का तीसरा अगर यू आर गिल्टी ऑफ सम मिसकंडक्ट अगर आपको निकाल दिया गया है अगर आपने फ्रॉड किया है वॉयेंट बिहेवियर इसकी वजह से आपको निकाल दिया गया है या डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बोनस फ्रॉम पेमेंट ऑफ बोनस पर अगर आप हो और आपकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में बोनस आपको कट के मिलेगा बोनस हम कब देते हैं पहली बात तो बोनस हम बैंक अकाउंट में देते हैं दूसरी बात हम कब देते हैं जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उसके आठ महीने के अंदर अंदर पर अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो जब वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट होगा उसका फाइनल ऑर्डर निकलेगा उसके एक मंथ के अंदर अंदर पर अगर हमारा डिस्प्यूट इस बात पे चल रहा है कि मुझे ज्यादा बोनस मिलना है तो कम से कम तो दो मिनिमम बोनस आठ महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए और हाइयर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो सेटलमेंट के बाद मिल जाएगा चलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस आठ महीने के पीरियड पे भी एक्सटेंशन दे सकती है पर मैक्सिमम दो साल तक का इसके बाद आता है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी ओनली फॉर दिस चैप्टर सो देर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ इंप्लॉयज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस बोर्डस राइट तो ये चीज प्योरली लर्निंग वाली पर्पज की है और यह आपको याद करनी पड़ेगी नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर फाइव एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन नंबर फोर्टी टू हमारे पास दो तरीके के एडवाइजरी बोर्ड होते हैं एक होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और एक होते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ठीक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है इंप्लॉयर होते हैं इक्वल नंबर ऑफ इंप्लॉयिज होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पांच रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ये सब के सब मिलके एंड इन फैक्ट जो इंडिपेंडेंट पर्सन हैं उसमें से एक चेयरपर्सन बनता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो हमारी पूरी पैनल होगी इसमें कम से कम वन थर्ड होंगे। ये तो बात हमने की कॉम्पोजिशन की ऐसा एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना नाम से हमें पता चल रहा है इट इज एडवाइजरी बोर्ड दैट मींस इट इज हियर टू एडवाइस किसको एडवाइस एडवाइज करेगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किस लिए एडवाइस करता है फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज मिनिमम वे जो भी कनेक्टेड मैटर्स होते हैं भाई वुमेन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ वुमेन को अपॉइंट करना चाहिए और वो जो भी मैटर्स एज इट डीम्स फिट इसके बाद आता है हमारा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जिसको स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है इसमें कौन होता है इसमें भी इसमें भी एम्प्लॉय होते हैं इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन बनता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे नहीं क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा इसके भी जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से वन थर्ड एटलीस्ट वुमेन होने चाहिए ये क्या करते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं मिनिमम वेजेस कितनी फिक्स करो कब रिवाइज करो वुमेन के लिए क्या करो एंड अदर मैटर्स एज रिलेटिंग टू द कोड ठीक है इसके अलावा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर कमिटी और कमिटी का भी हमारा एक चेयरपर्सन होता है जिसको बोर्ड अपॉइंट करता है ये कमिटी इनको सपोर्ट करती है और ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं राइट सो दिस इज समथिंग व्हिच इज पॉसिबल ये अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करते हैं एंड इनका टर्म वगैरह वो होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब नेक्स्ट we कम टू चैप्टर 6 पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड ऑडिट किसकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉय को पैसा देना है वेजेस देनी है बोनस देना है उसके अमाउंट इतना ड्यू होता है किसकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है तो भाई जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है मतलब कंपनी फर्म एसोसिएशन प्रोपराइटर जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके ड्यूज किसको दोगे जो पर्सन नॉमिनेटेड है उसको देते हैं अगर कोई पर्सन नॉमिनेटेड नहीं होता है तो हम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देते हैं अगर एम्प्लॉयर ने वो पेमेंट कर दी टू द नॉमिनी या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी देन एम्प्लॉयर इज डिस्चार्ज्ड ठीक है मैम देन सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव क्लेम्स अंडर कोर्ट एंड प्रोसीजर मुझे एम्प्लॉय से पैसा लेना है वो मेरा क्लेम हो गया ठीक है तो एम्प्लॉय खुद या जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, या एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होता है वो क्या कर सकता है क्लेम की एप्लीकेशन दे सकता है जब क्लेम अराइज होता है उसके तीन साल के अंदर अंदर विद अथॉरिटी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी आपका क्लेम जेन्युअन है या नहीं है और तीन महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करने की कोशिश करते हैं ये कॉम्पनसेशन भी अवॉइड कर सकते हैं अप टू टेन टाइम्स इनके पास ये भी पावर होती है अगर आपने जो ऑर्डर इनका निकला उससे जितना भी अमाउंट डिटरमाइन हुआ या फिर जो कॉम्पेंसेशन है वो पे नहीं किया तो ये अथॉरिटी एक रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू कर सकती है और रिकवरी सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है तो वॉट एवर ड्यूज देर दे आर रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द सेम मैनर आज लैंड रेवेन्यू एरियज अगर आप इनके ऑर्डर से खुश नहीं हैं, तो हमारे पास एक एपलेट अथॉरिटी है जो सेक्शन 49 में है आप उनको अपील कर सकते हो विद इन नाइनटी डेज अगेन दे विल अगेन टू डिस्पोज़ ऑफ़ द अपील विद इन थ्री भी उनकी भी कोशिश क्या होगी कि तीन महीने के अंदर अंदर हम क्या करें इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दें राइट right. ओके okay. जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ गेजेटेड ऑफिसर जो एपलेट अथॉरिटी अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो इनके रैंक से ऊपर होते हैं क्यों क्योंकि अगर आप इनके ऑर्डर से ना खुश हो तो आप उनके पास अपील करने जाते हो तो यहाँ पर टाइम लिमिट है और फेलियर है और पावर्स हैं ठीक है ठीके? कोई भी अगर बोनस के रिस्पेक्ट में एलिजिबिलिटी या फिक्सेशन के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे प्रिजर्म्पन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड एंड एल अकाउंट ऑफ कंपनीज देखो कंपनी के केस में ऑडिट होता ही होता है ठीक है तो अगर हमारे कहीं पे भी क्लेम चल रहे हैं हमने बोला कि इनको हमें बोनस देना है ये बोल रहे हैं नहीं देना है ठीक है या हमने बोला इतना अमाउंट देना है ये बोल रहे हैं इतना अमाउंट नहीं देना है तो हमारा कहीं झगड़ा चल रहा है और वो डिसाइड कर रही है अथॉरिटी हमारा क्लेम या हमने उनके उनसे खुश नहीं हम एपलेट अथॉरिटी के पास पहुंच गए या हमारा कोई क्लेम है तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से आर्बिट्रेटर के पास है कहीं पर भी हमारा क्लेम चल रहा है ऐसा डिसाइड करने पे फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं भाई कितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से आपको इतना देना है तो उस फाइनेंशियल्स पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उस फाइनेंशियल्स अगर वो ड्यूली ऑडिटेड हैं तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये सही होंगे हम उसका कोई एफिडेविट नहीं मांगे कि बताओ ये सही है या नहीं है नहीं ऑडिटर ने या तो सी ने इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी या फिर जो ड्यूली ऑथराइज हैं ऑडिटर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 के हिसाब से जो क्वालिफाइड है टू बिकम दी ऑडिटर वो ऑडिट कर रहे हैं तो वी प्रूव वी डोंट नीड टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आर स्टेटमेंट्स हम मानते हैं कि जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है उसको हमें वाउच करने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर अथॉरिटी को डाउट होता है कि नहीं यार ये तो इनकरेक्ट है तो वो चाहे तो जो स्टेप लेना चाहे वो ले सकते हैं मे बी वो बोले कि नहीं आप दोबारा ऑडिट कराओ तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ने बोला अब इम्प्लॉय के पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं अबाउट द कंपनी तो जो अथॉरिटी है वो कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए तो कंपनी को करनी पड़ेगी अब अगर मैम कंपनी या कॉरपोरेशन नहीं है तो व्हाट अबाउट देयर फाइनेंशियल्स भाई अगर उनके केस भी ऑडिटेड हैं ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर द्वारा तो हम उनका भी यही प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही है हाँ, अगर ऑडिटेड नहीं है तो अथॉरिटी उनको डायरेक्शन दे देती है कि आप ऑडिट कराओ अगर उनको लगता है कि ऑडिट कराने की जरूरत है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है अगर आप ऑडिट नहीं कराते हो तो अथॉरिटी खुद आगे बढ़ के ऑडिट करा लेती है खर्चा आपको देना पड़ता है और जब ऑडिट हो जाता है तो फिर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सही है ठीक है और खर्चा इस सिचुएशन में भी वो कॉर्पोरेशन ही देती है वो एम्प्लॉयर ही देता है अपील सेक्शन फोर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हर एम्प्लॉयर को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कैसे रिकॉर्ड्स भाई उनके कौन एम्प्लॉयज़ हैं कितने वेजेस देती हैं मास्टर रोल एवरीथिंग और अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना होता है कि हमारा ये कैटेगरी वाइज रेट है एम्प्लॉयज़ का इतना वेजेस हम देते हैं और हमारे इस जूरिस्टिक्शन का इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन होता है ये अभी हम चैप्टर सेवन में पढ़ेंगे इसके अलावा आप उनको जो वेज देते हो उसकी वेज स्लिप्स भी देनी होती है एंड दैट्स इट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पे अगर हम आते हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हर एरिया का अलग अलग हो सकता है ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि वेब बेस्ड रैंडम सिलेक्शन भी हो सकता है रैंडम की इस जरिस्ट्रिक्शन के आप होगे इस जरिस्ट्रिक्शन का वो होगा और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको एक इंस्पेक्शन स्कीम भी प्रोवाइड कर सकती है वो बोल सकती है कि देखो ये आपका काम है हमने यहां पे इतने स्टैब्लिशमेंट्स हैं जो आपके जुरिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहां पे एंश्योर करें कि सारी चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं यू विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट और आप के पास पावर्स हैं कोर्स आप जा सकते हो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो आप इम्प्लॉयर्स वर्कर्स को एडवाइस कर सकते हो कि इस तरीके से आपको कंप्लाई करना चाहिए आप प्रमाइसिस में जाके एग्जामिन कर सकते हो आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो कुछ सर्च कर सकते हो कुछ सीज भी कर सकते हो अगर कोई नहीं मानता है तो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बता भी सकते हो तो आपके पास इस तरीके की पावर्स दी हुई हैं तो हर स्टैब्लिशमेंट किसी इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर के जुरिस्टिक्शन के अंदर आती है ठीक है और वो एक्सरसाइज करते हैं चीजों को उनको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट भी करते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं देन वी हैव ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज चैप्टर एट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कब ऑफेंस इन टू रिकॉर्ड लिया जाएगा जब कोई अथॉरिटी कम्प्लेन करेगी या एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन या ऑफिसर या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक है तभी ये इन रिकॉर्ड लिया जाएगा इसकी पनिशमेंट क्या होगी इसमें फर्स्ट टाइम पनिशमेंट और सेकेंड टाइम पनिशमेंट दो आती है मतलब पहली बार अगर आपने एम्प्लॉय को कम अमाउंट दिया है तो आपके ऊपर पचास हजार तक का फाइन अगर दोबारा आपने कम अमाउंट दिया तो आपके ऊपर एक लाख तक का फाइन या फिर तीन महीने तक का इंप्रिजनमेंट या फिर दोनों अगर कोई और कॉन्ट्रवेंशन आपने किया कोई प्रोविजन नहीं माना तो पहली बार बीस हजार तक का फाइन अगर पाँच साल के अंदर अंदर आप दोबारा ये काम करते हो पाँच साल के बाद करते हो तो, तो, तो दैट इज़ अगेन ट्रीटेड एज द फर्स्ट ऑफेंस अगर उसके बाद फिर से काम करते हैं तो इम्प्रजनमेंट तो अप तो टू वन मंथ या फिर फाइन अप टू फोर्टी थाउजेंड या फिर दोनों ठीक है हमारे पास सेक्शन फिफ्टी थ्री में लिखा हुआ है कि कौन पेनाल्टी इम्पोज करता है तो जब सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अदरवाइज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ ऑफिसर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जब आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करता है तो आपको एक मौका जरूर देता है सुनवाई का एंड अदरवाइज ऑफकोर्स दे कैन कॉल द पीपल दे कैन इंक्वायर हर एक चीज की जा सकती है अगर ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है तो हम उनको तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन था जो इन चार्ज था और उसके अगेंस्ट हम प्रोसीड करते हैं अगर ऑफेंस किसी की मर्जी से हुआ है तो वो डायरेक्टर सेक्रेटरी मैनेजर ऑफिसर वो सारे के सारों को हम गिल्टी मानेंगे हाँ अगर आप ये प्रूव कर दो कि भाई हमारी नॉलेज के बिना ये ऑफेंस हुआ है और हमने तो पूरी मुमकिन कोशिश की जब हमको ये पता चला वो पता चला देन यू कैन बी फ्री कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी नहीं है यहाँ पे कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एलएलपी सब आ जाते हैं कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है जहाँ पे इम्प्रजनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है मतलब आप ट्रायल से बच सकते हो आप खुद अपना जुर्म कबूल कर सकते हो और बोल सकते हो कि ठीक है अगर मेरे ऊपर पेनाल्टी लग सकती है अप टू टेन थाउजेंड तो कम से कम पाँच हज़ार रुपये दे के मैं इस ऑफ़ेंस को कंपाउंड कराना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ मैं कबूल कर रही हूँ कि हाँ ये मैंने गलती की है गुनाह किया है और आप इतनी इसकी पेनाल्टी ले लीजिए एंड आई वॉन्ट टू गेट सेव्ड फ्रॉम दैट इंक्वायरी ट्रायल्स एवरीथिंग सो दैट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस इज ऑल्सो समाउडिशन जो भी होगा उस मैनर में होगा ऑफेंसेस के लिए कंपाउंडिंग अवेलेबल ही नहीं रहती है अगर पांच साल के अंदर अंदर आपने दोबारा किया है तो ऐसी सिचुएशन में कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं रहती है एंड ऑफेंस वो इम्रेजमेंट वाली मैंने आपको बता ही दी इसके बाद हमारे चैप्टर नाइन में कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस आते हैं कोई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो कि हमको वेजेस कम मिले हैं या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आपको इस कोड के हिसाब से ही काम करना होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्यूट नहीं होगा अगर कहीं पे भी कोई भी केस आता है कि हमें पेमेंट नहीं मिली है वेजेस की एम्प्लॉयर को प्रूव करना होगा बीन पेड इम्प्लॉ अपना हक नहीं छोड़ सकते हैं बाय एनी एग्रीमेंट कि आप कुछ भी करो हम आपके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे या हम इस हक को छोड़ें नहीं ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा ठीक है एंड इस कोड के जो प्रोविजंस होंगे दे विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट जहां पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट uh, के पास पावर्स दी गई हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर्स पास ऑन कर सकते हैं डेलीगेट कर सकते हैं किसी सबॉर्डिनेट को भी अगर किसी एम्प्लॉयर को ठहराया गया दोषी तो एम्प्लॉयर के पास ये हक होगा प्रूव करने का कि नहीं गलती मुझसे नहीं हुई है एक्चुअल ऑफेंडर कोई और है किसी और से गलती हुई है तो अगर वो कोर्ट को ये प्रूव करते कि हाँ गलती किसी और से हुई है और उसने तो भाई उसको पता ही नहीं था उसने ड्यू इंटेलिजेंस भी एक्सरसाइज की तो ही विल नॉट बी चार्ज गिल्टी ठीक है तो उसके पास ही हैज़ दैट एंटाइटलमेंट टू ब्रिंग द एक्चुअल ऑफेंडर ठीक है एंड कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ तो उसमें जो भी आप सिक्योरिटी वगैरह देते हो दैट विल नॉट बी लैबल टू अटैचमेंट राइट सो दैट्स इट विद द कोड ऑन वेजेस